इसको ग्रहण करने से हृदय से दया नष्ट हो जाती है।
अगर दया हो तो हम किसी जानवर को कहीं काट करके खा नहीं सकते, इसलिए दयाहीन होने पर तभी किसी जानवर को हम काट करके खाते हैं। अगर कलयुग में केवल ये चार नियम को पालन करो और थोड़ी सी बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, ठाकुर जी का नाम सा ले लो, इसी से ही हमारी उद्धार हो जाएगी। अभी श्री परीक्षित महाराज एक समय जंगल में भ्रमण करने गए, उन्होंने एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे जिनका नाम था श्रमिक ऋषि। आज इतने तेजी से उनको प्यास लग रही थी, जिंदगी में कभी इतना प्यास लगी नहीं, लेकिन वो ऋषि सचमुच से भजन कर रहे थे। उनसे उन्होंने पानी मांगे, वो पानी नहीं दे पाए। परीक्षित महाराज सोचे देश का मैं राजा हूँ, मेरे आशीर्वाद से तुम लोग भजन करते हो और राजा घर में आया तो थोड़ा पानी तक भी नहीं पिला सकते, कैसे तुम ऋषि हो। पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उन्होंने उनके गले में डाल दिए और राजा चल पड़े। किसने जाकर के उनका बेटा श्री श्रृंगी ऋषि को बोले, बोले तुम यहाँ पर फैल रहे हो, परीक्षित महाराज तुम्हारे आश्रम पर आए थे, पिताजी को पानी मांगा तो पानी नहीं दिया, गले में मरा हुआ सर्प को डाल कर गए। इतना सुनते ही बालक उठाया औषध नदी की पानी, उन्होंने मंत्र पूर्ण करके बोले जिस राजा ने आज मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प को डाला, मैं अभिशाप देता हूँ सप्तम दिवस में उनका तक्षक दर्शन करेगा। अभी वो बच्चा आकर के पिताजी के पास में थोड़ा रोना प्रारंभ कर दिया और इतने में उनकी नेत्र खुल गए। बोले बेटा क्या बात, क्यों रो रहे हो। बोले ऐसे ऐसे यहाँ प्रश्न होता है, जब श्री परीक्षित महाराज आकर के पानी मांगे और इतने जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोले उनका आंख ही नहीं खुली, लेकिन जब अपना बेटा थोड़ी सी रो पड़ा आंख खुली, इसका मतलब क्या अपना बेटा था ये और वो दूसरे पराये था। बोले नहीं, कहते उनके दो कारण से उनका नेत्र खुल गए। पहला कारण है परीक्षित महाराज वैष्णव, अगर कोई वैष्णव तुम्हारे साधु भाई घर में आए पानी मांगे, आप उनको पानी तक भी नहीं दे पाते हो, फिर क्या होगा, एक तरह का वैष्णव अपराध हो गया। अगर किसी संत चरण में अपराध हो गए तो आपको भक्ति से च्युत होना पड़ेगा, इसलिए वो जो ध्यान में भजन में बैठते आपकी नेत्र खुल गए, क्योंकि संतों की अनादार होगी, ये एक कारण है। दूसरा कारण है अभी श्री परीक्षित महाराज को उपलक्ष्य करके ये भागवत ग्रंथ प्रकट होने वाले। पहले जब ये ऋषि लोग भजन में बैठते थे महीना महीना तक इनके आंख नहीं खुलती, अभी का जैसे नहीं, हम एक मिनट बैठे हमारा मन भजन में नहीं लगता, आंख बंद करते सारा दुनिया दारी उल्टा उल्टा चीज दिखे तो ठाकुर नहीं दिखे। लेकिन पहले जब संत लोग भजन में बैठते थे मन एकदम एकाग्र हो जाता था मन, है? अभी जोग माया ने देखा अगर ये भजन में बैठे रहेंगे तो अभी परीक्षित महाराज को पता नहीं चलेगा, इनको अभिशाप मिला है, अभी परीक्षित महाराज सब छोड़ करके आएंगे, गंगा किनारा में आश्रय लेंगे, 88,000 ऋषि आएंगे, अभी श्री सुखदेव गोस्वामी आएंगे, फिर ये श्रीमद् भागवत कथा होगी तो हो नहीं पाएगा, इसलिए जोग माया ने इनके आंखों को नेत्र को खोल दी। बोले बेटा क्या बात, बोले ऐसे ऐसे है, मैंने राजा को तो अभिशाप दे दिया, बोले नालायक तेरे को पता है ये परीक्षित महाराज कौन, बोले ये परम संत है जिन्होंने गर्भ में ठाकुर जी को दर्शन किया, हमारे अहोभाग्य था जो कि हमारे आश्रम में श्री परीक्षित महाराज आए हुए थे, कहाँ उनको स्वागत करने चाहिए और कहाँ तुमने अभिशाप दे दिया। बोले मैं भी आज से ये ब्राह्मण समाज को अभिशाप देता हूँ, इनकी जो बात शक्ति वाणी में जो शक्ति है शक्ति सब नष्ट हो गई, उसके पहले तक ब्राह्मण लोग जो बोलते तो वही होता था, लेकिन उसको बाद में ब्राह्मण का सारे वाक्य शक्ति सब खत्म हो गया,
बोले कम से कम पहले तो महाराज को सूचित करा दो, अगर किसी व्यक्ति को बोलो तो 7 दिन में मरोगे क्या होगा बताओ, वो तो सुनकर का आधा मर जाएगा। लेकिन परीक्षित महाराज जब सुने ना दुखी नहीं खुश हो गए, बोले क्यों, मरने से 1 मिनट पहले देखना पता नहीं चलता मैं मरने वाला हूँ, लेकिन ठाकुर का देखो तो दया कितने, मेरे को उन्होंने 7 दिन पहले सूचित कर दिया, कम से कम मैं ठाकुर जी का भजन कर सकता हूँ, ठाकुर जी का कथा सुनते सुनते अपना समय को मैं बिताऊंगा, प्रसन्न हो गई। अपना बेटे को उन्होंने राज सिंहासन में स्थापन किया और उन्होंने प्राय प्रसन्न किया, बोले कहाँ पर, बोले गंगा किनारा में आश्रय लिया, बोले क्यों, बोले गंगा भगवान की चरणा में, भगवान की चरण और चरणामृत में कोई फर्क नहीं, मानो उन्होंने ठाकुर का चरण को उन्होंने आश्रय ग्रहण किया। पहले टेलीफोन नहीं था, टेलीग्राफ नहीं था, लेकिन ऋषियों के पास में दिव्य ज्ञान होता था, वहां पर 88,000 ऋषि लोग वहां पर पहुंचे। परीक्षित महाराज बोले मेरे ऊपर में अभिशाप नहीं, मेरे ऊपर में संतों का वरदान, देखो इतने सारे संत यहाँ पर, एक संत दर्शन से जीवन धन्य हो जाता है, और जहाँ पर इतने सारे संतों का दर्शन हमारी कितने सौभाग्य है। तो उन्होंने सबको प्रश्न करते हैं, बल आज हो या तो कल हो या तो परसों हो या तो बरसों हो, सबको इतने मरना है, आप कृपा करके बताओ कि जीव का परम कर्तव्य क्या है। लेकिन बोले नासो मुनि जस्य मतम न भिन्न, वहां पर ऐसे कोई मुनि नहीं थे जिनका मत ही अलग नहीं था। किसने कहा भैया गणेश जी की पूजा करो, बोले क्यों, बोले विघ्न को विनाश में करने वाले तो वही है। किसने कहा भैया इसका मैया क्या नहीं चलेगी, पार्वती को पूजा करना है, नव दुर्गा की व्रत रखो, बोले इनके पास में 7 दिन और नव दुर्गा व्रत 9 दिन। किसने कहा मृत्युंजय पाठ करो, बोले भी 49 दिन, लेकिन इनके पास में 7 दिन, कोई शंकर कोई दुर्गा कोई गणेश कोई हनुमान, और सबके सब अलग अलग बात करने लगे। परीक्षित महाराज ने देखा कहा वर्षा जब कृषि सुधाए, वो वर्षा का क्या कीमत है क्या महत्व है जब कृषि सूख जाए। मेरे पास में कुल 7 दिन है, लेकिन ये शास्त्र साधु लोग तो आपस में ये तर्क वितर्क करने लग गए, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, सबका अलग 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 मत था। परीक्षित महाराज ने देखा हरे अभी क्या होगा, अभी मेरा क्या होगी, यद्यपि ये सब के सब लास्ट में एक ही सिद्धांत में पहुंचेंगे, बोले क्या सिद्धांत है, बल अगर जीवन में कोई अभय पाना चाहते हैं, बोले श्रोतव्य कृतित्वस्य स्मर्तव्य किंचनाभय, अगर कोई अभय पाना चाहते हैं 3 काम करो, बोले क्या, बोले भगवान की कथा सुना, भगवान की स्मरण करो और भगवान का कीर्तन करो। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण सबके सब बोलो, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, एक बार जोर कर बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। अभी श्री परीक्षित महाराज श्री ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गए, बोले प्रभु आप ही तो मुझे मातृगर्भ में रखा गया था, अभी मेरे ऊपर बड़ी भारी विपत्ति पड़ी, आप ऐसे कुछ उपाय करो, 7 दिन जैसे तुम्हारी कथा सुनते सुनते हमारी समय बीत जाए। तब भगवत इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, बोले श्री सुखदेव महाराज की जय, कोई जय और कोई जय करे जोर से बोलो, बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। जब सुखदेव गोस्वामी आए, लेकिन वहां पर उनको पिताजी की पिताजी के पिताजी बैठे हुए थे, उन्होंने सबको उन्होंने प्रणाम किया, प्रणाम करके सबका आदेश को लेकर के उन्होंने श्री व्यास गद्दी पर बैठे गए। तब श्री परीक्षित महाराज प्रश्न की झड़ी लगा दी, बोले अतः पृच्छामि संसिद्धि
विश्वगीनां परमं गुरु पुरुषस्य जत्कर्तव्या म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले हे श्री सुखदेव गोस्वामी, आप कृपा करके बताए, ये जगत में सबको एक दिन मरना पड़ेगा, कोई नहीं बता सकता है मैं मरूंगा नहीं, लेकिन ये जो मरने वाले जीव है इनका क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, और जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव को ये लगे जीवन में हमें सब कुछ मिल गया। अब देखना जगत ऐसे भी जगत है, बड़े से बड़े पैसा वाला हो गया, आप पूछ लो अंबानी को इतने पैसा तेरे पास में तो संतुष्ट हो गया, वो सोचता होगा पृथ्वी का सबसे बड़ा धनी होने चाहिए, इतना पैसा हो पृथ्वी का सबसे बड़ा धनी मैं हूँ। इसलिए बोले राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुना चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब दुख मिटाए, जगत में सुखी हो तो हरि की भगत है, अगर कोई तृप्त हो तो हरि की भगत ही तृप्त, क्यों उनको भगवान की प्रेम मिला, भगवान की भक्ति उनको मिला है। इसलिए उनका प्रश्न है जगत में ऐसे क्या वस्तु जिसको पाने के बाद जी तृप्त हो जाए, ये प्रश्न सुन करके सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रश्न हो गए। बोले बरिया ने सत्य प्रश्न बोले हे राजा, तुम्हें जो प्रश्न की है बहुत अच्छा प्रश्न किया, जो प्रश्न को सराहना तो बड़े बड़े आत्मा में जो रमण करने वाले योगी भी तेरे प्रश्न को आदर करेंगे। तब उन्होंने कहा देखो कि जो मानव शरीर है ये बड़ा दुर्लभ है, भगवान बारंबार ये मानव शरीर नहीं देते, इसलिए 84 लाख ब्रह्म के ये नरोतन थे, मानव शरीर पाने से पहले हमें 84 लाख जन्म हमें भ्रमण करना पड़ता है। बोले कैसे, बोले जल जाणी पानी में जितने प्रकार मछली मछली होते है ना, 9 लाख बार जन्म लेना पड़ेगा, और जब मछली वहीं पे अगर इसको हाथ में पड़ गए जिंदा जिंदा काट करके जैसे पकौड़ा बनाते हैं ना तेल में छोंक कर खा ले, बोले स्थावरा लख विसर्दी मिट्टी में 20 लाख बार जन्म होता है, बोले 63 लाख पशव जितने जानवर हैं वो 30 लाख जानवर जन्म में जाना पड़ेगा, जितने बकरी भेड़े जितने गधे सुअर सबके सब उसी जीवन में, कोई मुसलमान हाथ में तो किसका हाथ में पड़े देखना दुकान में पूरा टांग लटका हुआ चमड़ा उतार देना, इसलिए हमें ऐसे 30 लाख जन्म भटकना पड़ा है। इसलिए ऐसे करते 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 जा करके एक बार ये मानव शरीर मिलता, इसलिए जिसको भगवान कहते हैं बड़े भागवान न सत अनुपावा, ये मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। बोले सुर दुर्लभ सत ग्रंथन का, ये मानव शरीर देवताओं के लिए भी ये मानव शरीर दुर्लभ है, लेकिन भगवान हमें क्यों दिया मानव शरीर, भगवान हमें मानव शरीर क्यों दिया, बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई में जई पर लोक सवरा, भगवान राम अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं, बोले ये शरीर हमें क्यों दिया, बोले ये 84 लाख जन्मों के बाद में एक ही जीवन मिला जिससे हम कृष्ण कृष्ण राम राम राधे राधे कर सकते, और एक ही जीवन मिला, दो ही हाथ मिले जिससे ठाकुर को सेवा कर सकते हैं, दो ही कान मिले जिसमें कृष्ण कथा सुन सकते हैं, हैं? दो ही प्यार दिया घर से यहाँ तक भागवत कथा में आए हो, दो ही आंख दिए जिनसे ठाकुर जी की मूर्ति को हम दर्शन कर सकते हो। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं ठाकुर जी को जिह्वा दिए लेकिन भगवान का नाम नहीं दिए, लेकिन सारा दुनिया की बात को मेरे को जैसे टर 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 करता है, सारा दुनिया की बात को टर 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 करते हैं, इसलिए कहते हैं उसको जीवा मेड़े की जीवा के बराबर है, एक दिन काल रूपी सर्प उसको खा जाएगा, अगर जिनकी कानों में कथा नहीं सुने, बोले कान नहीं वो दो बील मात्र है, बोले जिनकी आंखों से ठाकुर का दर्शन नहीं किया, बोले आंख नहीं
मयूर पंख में जो पांख है ना, बोले पांख में बड़ी सुंदर सुंदर हार है, बोले जिन हाथों से ठाकुर का सेवा नहीं किया, बोले सब करो गुरु का सब कर दिया, यहाँ से यहाँ तुम सोने की कंगन पहने, लेकिन इन्हीं हाथों से ठाकुर को सेवा नहीं किया, दुनिया की सेवा करते लेकिन ठाकुर को सेवा नहीं करते, बोले मरा हुआ हाथ है, इन्हीं हाथों से पूर्वज लोग कभी पिंड ग्रहण नहीं करेंगे, जिन्होंने ठाकुर जो प्यार किया इन्हीं प्यार से सत्संग में नहीं गए और सारा दुनिया में तो घूमते रहे, ठाकुर को परिक्रमा तुलसी परिक्रमा नहीं की, बोले ध्रुव में जन्म भाजो, अगले जीवन में ठाकुर उसको पेड़ जन्म देंगे, बोले यही पर खड़े हो, जो सत्संग में गया नहीं, तुलसी मंदिर परिक्रमा लगाया नहीं, फिर तेरे प्यार पाकर क्या, बोले पेड़ जन्म लेकर के यही पर खड़े हो। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, हे सनक श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परिथी, ये मानव शरीर नहीं, कहते ये मुक्ति का द्वार पर हम खड़े, ये 84 लाख जन्म भटकते भटकते मुक्ति की दरवाजा पर खड़े हुए, अगर ये जन्म पा करके प्रभु का भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, फिर क्या होगा, फिर वही 84 लाख जन्म में फिर पेड़ पौधा जानवर होकर फिर भटकते रहो, इसलिए कहते ये समय रहते क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठाकुर जी का भजन करो, बोले देखो परीक्षित कोई चिंता मत करो, तुम ये सब मत समझो, तेरे पास में शादी भी नहीं है, एक राजा हुए जिनका नाम खटवांग राजा था, इन्होंने तो एक मुहूर्त में भगवत प्राप्ति की, एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट में उन्होंने, 48 मिनट में उन्होंने अपना मन को संपूर्ण विषय से हटाए और हटा करके अपना मन को ठाकुर जी के चरण में लगाए, भगवत प्राप्ति हो, कोई चिंता मत करो, पहले कोशिश करो, जैसे एक जगह जैसे बैठ सकते, क्योंकि भजन करने के लिए पहले हैं जितासन, जितासन मतलब है भक्ति कैसे होगा, जब मन एकाग्र होगा, एकाग्र नहीं होगा तो भक्ति कैसे करोगे, इसलिए कोशिश करो जैसे एक आसन पर बैठते हैं, हैं एक आसन पर बैठ करके ये मन संपूर्ण रूप में ठाकुर जी के चरण में लगाते हुए और ये जुहा को करा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठाकुर जी का नाम जप करने के लिए, क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा और सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा, इसलिए भगवान कलियुग में अपना नामों में सारे शक्ति दे दिया, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कलियुग में जो कृष्ण कीर्तन है, ठाकुर जी का जो नाम कीर्तन है, इसकी जय जयकार हो, कृष्ण कीर्तन की जय जयकार हो, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय जय श्री राम। देखो एक अच्छी बात सुन, बोले एक समय कुछ साधु लोग बैठे हुए, साधु लोग में चर्चा हो रही थी, एक साधु ने पूछा भैया जगत में सबसे बढ़िया जू कौन सा जू है, एक संत ने कहा जगत में सबसे बढ़िया जू सत्य जू है, क्योंकि उसका नाम ही सत्य है, मतलब कोई भी कभी झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए वो जू का एक नाम कृत्य जू, कृत्य जू मतलब है कलियुग में जो धर्म, ये पूरा के पूरा धर्म के चार चरण है, ये धर्म पूरा के पूरा चार चरण सत्य जू का नाम, और कृत्य मतलब समझा जीवन कृत्य कृत्य धन्य धन्य हो जाने का, इसलिए सबके सब सच बोलते थे, दूसरों को कभी निंदा चर्चा नहीं, कभी दूसरों को कष्ट नहीं, धर्म से जीवन निर्वाह करना, भगवान की भक्ति करना, अंतिम समय में चार आश्रम को पालन करना, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी सारे आश्रमों को पालन करते थे, एकदम सच रूप में रह करके मुक्ति मार्गों को प्राप्त, इसलिए जगत में सबसे बढ़िया जू कौन सा जू है, कहते सत्य जू है, और एक साधु खड़े हो गए, बोले मैं तो सोचता हूँ सबसे बढ़िया जू तृतीया जू है, बोले क्यों, बोले तृतीया जू को कहते राम राज्य, कहते ना भैया राम राज्य में
तक आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, ये जो तीन तरह का जो दुख है कभी किसी को सताया नहीं करता। इसलिए हम उदार राम राज्य, राम राज्य मतलब भगवान राम पशु पक्षियों का बाप समझते थे। जब राम दरबार लगता था वहां पर पशु पक्षी भी आकर के अपना दुख की बात बोलते थे, अपना दुख की बात बोलते थे। भगवान राम सबकी भावना को समझते थे, उनके देश में कोई दुखी नहीं थे। एक सुंदर कथा सुनो। बल एक समय क्या हुआ, एक ब्राह्मण स्नान करके आ रहा था, देखा रास्ता में एक कुत्ता सोया हुआ। ब्राह्मण स्नान करके ठाकुर को पूजा करेगा, उन्होंने कुत्ता को बोले हट 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 बोले, लेकिन कुत्ता सोता रह गया। पास में एक लठिया पड़ा हुआ था, उसने वो लठिया को उठाया, कुत्ता को मार। जब उन्होंने कुत्ता को मारे इतने में ही वो कुत्ता तो दुखी हो गया। और राम दरबार लगता था, सबका अधिकार था राम दरबार में अपना दुख बोलने का। कुत्ता ने आकर बोले प्रभु मैं भी कुछ दुख बोलना चाहता हूँ। बोले बताओ। बोले मैं रास्ता में लेटा हुआ था और ये ब्राह्मण हमको मारा। भगवान राम बोले भैया कुत्ते को तुमने क्यों मारा। बोले ऐसे ऐसे मैं स्नान करके आ रहा था ठाकुर को पूजा करने के लिए, और ये बीच रोड में सोया हुआ था, मैंने हटाया लेकिन वो हटाए नहीं, इसलिए मैंने डंडे से मारे। बोले भैया जो कुछ भी हो मारना पाप, मारना पाप है। तो उन्होंने बोले कुत्ता तुम ही बताओ इसको क्या पनिशमेंट दिया जाए। बोले महाराज जी एक काम करो, वहां पर एक बहुत बड़ा मठ है, कलिंगर देश में एक मठ है, उसका इसकी महंत बना दो। बोले क्या तुमको मारा अब तू कह रहे हो उस मठ का महंत बना दो, वो मठ में कितने श्राद्ध संपत्ति कितने रुपया पैसा, तो उसको महंत बनाने के लिए क्यों कह रहे। बोले महाराज जी पहले ना उसी मठ का मैं महंत था। बोले तू ही महंत था। बोले हाँ। बोले कुत्ते क्यों बन गए। आप देखना कुत्ते को कोई चीज देखना उसको जीवा से हाथ में लाल टपकती है। इसलिए शास्त्र में बताया कुत्ता अगर कोई ठाकुर को भोग का वस्तु में कुत्ता अगर देख लिया ना वो ठाकुर को सभा में नहीं लगी, क्योंकि उसको प्रभाव लोग खाने में। इसलिए कहते था उसी मठ में जो कुछ आता था ठाकुर को सेवा के लिए हर चीज देख करके मेरे को खाने की इच्छा हो जाती, और मैंने सारे संपत्ति को मैंने हड़पा है ठाकुर को सेवा में नहीं लगा करके अपना भोग में लगाया। इसलिए अभी मेरे को कुत्ता बनना पड़ेगा, अगर मैं तो बनेगा ना अगले जीवन में भी कुत्ता बनेगा। इसका मतलब है भगवान के राम दरबार में कोई दुखी नहीं थे। इसलिए बोले भैया जगत में सबसे बड़ा जो युग है कौन सा, तृतीया युग। एक व्यक्ति ने फिर खड़ा हो गया। बोले भैया मैं तो सोचता हूँ जगत में सबसे बढ़िया युग द्वापर। बोले क्यों। बोले कृष्ण आए, क्यों जब भगवान कृष्ण आए वो धर्म चार चरण में धर्म रहता था, हाँ क्योंकि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म सनातन कौन, ये कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन है। इसलिए कृष्ण जब बंसी बजाया करते थे पेट से मधु झरता था, जमुना उल्टी बहती थी, आकाश से बारिश होने लग जाता था, चिड़िया सबके सब मुनि बन जाते थे। इसलिए जगत में सबसे बढ़िया अगर युग है ना कहते तृतीया युग द्वापर युग है। एक व्यक्ति फिर खड़ा हो गया। बोले नहीं मेरे को लगता है जगत में जो सबसे बढ़िया युग कलयुग। बोले भैया कलयुग को क्यों बताते हो, क्योंकि इसके युग का नाम क्या है कलयुग। कलयुग मतलब क्या, कली मतलब होता है कलह। ये देखना ये कलयुग में सब जगह में लड़ाई चल रहा है। आप देखना देश देश में लड़ाई, मंत्री मंत्री में लड़ाई, पार्टी पार्टी में बट लड़ाई, बहू बहू में लड़ाई, बेटे बेटे में लड़ाई, किसी ऑफिस में जाओ लड़ाई, किसी पड़ोस में जाओ लड़ाई, मन मन में लड़ाई। अब देखना लड़ाई कहाँ पर है ही नहीं, देखो रास्ता में कोई थोड़ी सी इधर उधर का लड़ाई। इसलिए इसका नाम कलियुग है। इसलिए बोले प्राप्त कलियुगे घोरा नरा पुण्य विवर्जिता, कहते कलियुग आने पर जीव धर्म कर्म कुछ नहीं करेंगे। बोले दुराचार रता सर्पे, सबके सब दुराचार में रत हो जाएंगे,
सत्य वार्ता परान मुख, कोई तो सत्य बोलेगा नहीं, 100 में 200 झूठ बोलेंगे हैं। इसलिए कलयुग तो बड़ी झगड़ा लड़ाई का युग है। तुम कह रहे हो कलयुग क्यों सबसे बढ़िया, बल्कि इसलिए कलयुग बढ़िया क्योंकि ईयो कलयुग में ना श्री चैतन्य महाप्रभु आए। हर कलयुग में श्री महाप्रभु नहीं आते, इसलिए ये कलयुग का धन्य कलयुग बताया गया है, धन्य कलयुग। इसलिए ये कलयुग में दूसरे दूसरे युग में भगवान को पाने का कठोर तपस्या करना पड़ता था, लेकिन कलयुग में कोई ज्यादा तपस्या करने का जरूरत नहीं, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल ठाकुर जी की थोड़ी सी नाम जप कर लो, केवल ठाकुर जी का थोड़ी सी नाम जप कर लो। बोले सत्य त्रेत्या द्वापर युग में जो फल मिलता था, कलयुग में हरि कीर्तन में वही फल प्राप्त होगा। और उसी से भी श्रेष्ठ राधा रानी की निकुंज महल की सेवा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए जगत में सबसे जो बढ़िया युग कौन सा युग है, कौन सा युग बताओ, बोल रहे हैं क्योंकि बले काली योग के बलना आधारा, काली योग के बलना आधारा, I'm
देखो भगवान का आदेश है ये संसार का क्रम को धीरे धीरे बढ़ाओ। बोले पिताजी हम ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, बड़ा दुखमय है। हम तो चाहते जीवन में प्रभु का भक्ति करें और भक्ति करते हुए ठाकुर जी की चरणों को प्राप्त करने। ब्रह्मा जी को तो बड़ा क्रोध आया, सृष्टि का पहला हम मना कर रहे हैं। जब उनकी क्रोध आया उनको ललाट से रुद्र प्रकट हुए, श्री शंकर जी प्रकट हुए, शंकर जी को भी आदेश दिए। लेकिन शंकर जी योगी योगी महायोगी सत्यम शिवम सुंदरम। आप कहीं भी शंकर जी की देखो मूर्ति देखो ना, शंकर जी ध्यान में बैठे हुए होते और जब उनकी ध्यान लगती एक दो दिन नहीं कल्प कल्प तक इनकी ध्यान लग जाती है इनकी। ये हर समय प्रभु के भजन में मस्त रहने वाले। जब उनको बोले सृष्टि करो लेकिन इनकी मन में भी कोई इच्छा नहीं है सृष्टि करने की। बोले अगर पिताजी को मना कर दो ना फिर पिताजी बिगड़ जाएंगे। बोले ऐसे काम करो पिताजी अपने आप मना करते। उन्होंने भूत पिशाचों को सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा बोले ये कोई सृष्टि है भूत पिशाच, जरूरत नहीं सृष्टि करने का, रुक जाओ बंद करो। बोले भैया मैं तो यही जा रहा था। फिर उन्होंने अपना परछाई से कर्दम ऋषि को सृष्टि की, 10 संतान को सृष्टि की। फिर उन्होंने अपना शरीर से मन और सतरूपा को सृष्टि की और ये जो मनु महाराज से फिर 5 बच्चे हुए, उत्थान पाद प्रिय व्रत आकुति देहोति और प्रसूति। इसलिए यहीं से ना धीरे धीरे सृष्टि हमारी यहीं से प्रारंभ हुई। इसलिए हम मनु महाराज से हुए इसलिए हमको मानव कहते हैं। क्या कहते हैं हमें? बोले मानव क्यों कहते हैं? चूंकि हम श्री मनु महाराज से आए हैं। लेकिन अभी का जो साइंस कहता है, कहता हमारे पूर्वज लोग पहले बंदर थे। ये बंदर का पूंछ कटते कटते परिपूरा जब पूंछ कट गया फिर तो ये इंसान हो गए। लेकिन हमारे संत लोग कहते नहीं, हम बंदर से नहीं हुए, हम श्री ठाकुर जी से हुए हैं। अगर बंदर से होते तो अभी कितने सारे बंदर हैं? अभी कोई बंदर कोई इंसान बनते हुए देखा? कोई बंदर इंसान उसी समय उसमें क्यों बंदर इंसान हो गए? अभी क्यों इंसान नहीं हुए? बंदर से कभी इंसान नहीं हो सकते हैं, हैं? अब जितने हमारे पुराण देखो, हमारे हिंदू धर्म का मूल कौन सा ग्रंथ बताओ तो, हिंदुओं का ग्रंथ कौन सा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ? ये गीता है, हिंदुओं का गीता। अब गीता को पढ़ो, कृष्ण खुद कहते हैं हे अर्जुन मम इवांस जीव लोक जीव भूत सनातन, जगत में जितने जीव है ना सब मेरे संतान है, भगवान खुद कहते हैं। आप मुसलमान का ग्रंथ उठाओ कुरान को, वहां पर कहते हैं अल्लाह ने अपना जैसे सूरत इंसान को दिया। आप बाइबल ग्रंथ पढ़ो ये क्रिश्चियन का, वहां पर लिखा हुआ गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, भगवान अपना जैसे इंसान को सूरत दिया है। आप के बंदर को लियो तुम्हारे साथ में मिलाओ, मिलोगे बंदर को साथ में। लेकिन कृष्ण को देखो, यहाँ पर कृष्ण को देखो, कृष्ण का नाक जैसे तुम्हारी नाक ऐसे नहीं, कृष्ण की 2 हाथ हमारे कितना हाथ? 4 हाथ ना, 2 हाथ। बंदर का कितना है? वो 4 प्यार है, 2 जानवर है ना, हैं? आप कृष्ण को साथ में मिला करके देखो उनका हाथ प्यार नाक को मिलता है कि नहीं। राम को साथ में मिला कर देखो मिलता है कि नहीं। बंदर को साथ में तो मिलते हो, इसलिए हम बंदर से नहीं हुए। किससे हुए हैं? हम ठाकुर जी से हुए हैं, इसलिए हम बंदर से नहीं हुए हैं। बोले डार्विन फेरी से बात को बताया, कहते डार्विन मरने से पहले बोल कर गया ये सरकार मेरे को जोर जबरदस्त किया था, तुम ये प्रूव करके दिखा दो हम बंदर से हुए। क्यों? बोले लोगों को नास्तिक बनाने के लिए, लोगों को नास्तिक बनाने के लिए मेरे को ऐसे जोर जबरदस्त किया था, हैं? इसलिए ये जो थियोरी है ना
ये जो डार्विन का थ्योरी केवल भारत में पढ़ाया जाता है, अब अमेरिका, लंदन, फ्रांस में देखो कहीं भी ये थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती है। हम सब के सब बंदर से हुए हैं, ये केवल भारत में बच्चों को बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए ये सब थ्योरी पढ़ाए जाते हैं, जीवों को नास्तिक बनाने के लिए। इसलिए हम किससे हुए हैं, हम श्री ठाकुर जी से हुए। देखो एक छोटी सी कथा सुनो, अकबर का नाम सुने हो, उनका मंत्री कौन था, बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल को दो प्रश्न किया, आप लोग अच्छे तरह सुन लो, इसलिए कथा सुना रहा हूँ आपका दिल को भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाए। एक दिन अकबर बीरबल को दो प्रश्न किया है, पहला प्रश्न था बोले भगवान है तो कहाँ है, अगर भगवान है तो अभी क्या कर रहे हैं, बोले तुमको ये दो दिन में इसका आंसर देना पड़ेगा नहीं तो तेरी नौकरी जाएगी। अभी बीरबल घर में आकर तो गुमसुम होकर बैठी है, उसका घर में तो छोटा बच्चा था, बोले पिताजी क्या बात है, अब अभी से में आकर गुमसुम हो गए, बात नहीं कर रहे हो, खाना भी नहीं खा रहे, बोले तू बेटा तू बात नहीं समझोगे, तुम चुप बैठो। बोले पिताजी बताओ ना क्या बात किया है, बोले देख बेटा अकबर मेरे को दो प्रश्न किया है, भगवान है तो कहाँ है, बोले भैया मेरे को कहाँ पता भगवान कहाँ है, पर है तो क्या कर रहे हैं, भैया हमें क्या पता भगवान क्या कर रहे हैं, कहते दो दिन में इसका आंसर नहीं दोगे तो नौकरी जाएगा तो तुमको हम पालेंगे कैसे, इसलिए मैं तो बड़ा चिंता में पड़ गया। बोले पिताजी ये छोटी सी क्वेश्चन के लिए आप चिंता में पड़ गए, कोई चिंता मत करो, बढ़िया से खाओ पियो, दो दिन बाद में आप जाओगे ना मेरे को साथ में ले चलना। अगर राजा ये क्वेश्चन करता तो आप ये बोलना भैया ये कौन सा बड़ी भारी क्वेश्चन, मेरा छोटा बच्चा आंसर दे सकता है, बोले तू दे देगा, बोले हाँ पिता चिंता क्यों करते हो। अभी दो दिन बाद में गए, राजा ने पूछा तो प्रश्न का आंसर लेकर आया कि नहीं, बोले पिता राजा ये मेरे छोटा बच्चा ही दे सकता है, बोले छोटा बच्चा देगा, बोले हाँ। तो उन्होंने पूछा पहला प्रश्न क्या था, अब बोलो सब भूल जाते हो, इसलिए भगवान है तो कहाँ है, भगवान है तो भगवान कहाँ है। जब उन्हें प्रश्न किया तो उन्होंने बोले देखो महाराज एक काम करो 10 किलो दूध मंगाओ, तो उन्होंने 10 किलो दूध मंगाई, बोले बताओ ये दूध में घी है कि नहीं, बोले है, बोले मेरे को दिखाओ, बोले ऐसे थोड़ी दिखेगा, पहले दूध को गर्म करो, फिर जमाओ, फिर मंथन करो, फिर मक्खन निकलेगा, फिर इसको गलाओ, फिर क्या बनेगा घी। बोले महाराज जी ये दूध में घी है लेकिन उसका क्या प्रोसेस है, उसको निकालने का क्या प्रोसेस है, उसी तरह भगवान तो है लेकिन इस शास्त्र में इनको पाने के लिए उन्होंने कुछ प्रोसेस भी उन्होंने बताया है। बोले उनको पाने का प्रोसेस क्या है, भक्ति का जो पहला स्टेज है श्रद्धा, जैसे आपका अंदर में श्रद्धा है तभी तो यहाँ पर बैठे हो, उसको बाद में साधु संग फिर कथा सुनोगे, उसको बाद में भजन करोगे, फिर हृदय से काम क्रोध दूर होगा, फिर भगवान में निष्ठा की रुचि, फिर भाव, लास्ट में फिर भगवत दर्शन प्रेम है। कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही, जन्म जन्म जतन करने पर भी कहीं प्रभु का दर्शन नहीं मिलता, अब एक बार अगर प्रभु का कोई दर्शन मिल गया ना फिर जन्म मृत्यु दुख कष्ट से चिरकाल के लिए उसको मुक्ति मिल जाती है। आप कह रहे हो भगवान ने कहा कोई लड्डू थोड़ी बनाया खा लिया, महाराज जी उसके लिए साधन करना पड़ेगा, से महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यामे हैं। राजा तो सुनकर के आके बोले चक्के हो गए, बोले भैया प्रश्न क्या है, अरे ठीक है इसका आंसर मेरे को मिल गया, साधन करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न क्या था बोला, भगवान क्या कर रहे हैं। तो वो बच्चा ने पूछा प्रश्न कौन कर रहा है, बोले मैं, बोले आंसर कौन देगा, बोले तू, बोले देखो महाराज जी जो प्रश्न करता वो छात्र होता है, जो उत्तर देता है वो टीचर होता है, टीचर कहाँ बैठता है, टीचर ऊपर बैठता है, छात्र नीचे बैठ रहता है, लेकिन आप प्रश्न कर रहे हो मतलब आप छात्र हो लेकिन आप सिंहासन में बैठे हो, उत्तर दूंगा मैं टीचर में नीचे खड़ा हुआ हूँ, नहीं। कृष्ण गीता में कहते हैं अगर कोई आध्यात्मिक प्रश्न करते हो किसी संत से तीन आपको नियम पालन करना पड़ेगा, बोले तीन नियम क्या, बोले तद्विधि प्रणिपातेन
परिप्रश्नेन सेवया। कृष्णा कहते पहले जाकर के उस संत के चरण में प्रणाम करो, फिर उनकी सेवा करो। जब वो संतुष्ट होंगे तभी वो ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करते हैं। लेकिन ये ज्ञान ऐसे नहीं जो जबरदस्त किससे ले लो। जब तक संत कृपा करके ज्ञान नहीं देते हैं तो जोर जबरदस्ती ज्ञान को नहीं ले सकते हो। पहले प्रणाम करो, सेवा करो, फिर प्रश्न करो। हैं? आप तो ऊपर बैठ करके और प्रश्न कर रहे हैं भगवत संबंधी ब्रह्म ज्ञान, और आप ऊपर बैठ करके मैं नीचे बैठा। अगर उत्तर सुनना चाहते पहले नीचे उतर, मेरे को वहां पर बैठा हूँ, हाथ जोड़कर प्रश्न कर। राजा तो फंस गया, ये बच्चा क्या बोलता है। फिर उन्होंने बच्चे को ऊपर बैठा दिया और नीचे खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, भैया बता भगवान क्या कर रहे हैं। बोले भगवान तो यही कर रहे हैं। भगवान एक सेकंड को रक्त को राजा बना सकते हैं, राजा को रक्त बना सकते हैं, मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को वो मच्छर बना सकते हैं। अभी अभी आप ऊपर बैठे हुए थे, आप अभी अभी ऊपर बैठे हुए थे, आपको एकदम नीचे उतार दिया और मैं आपका प्रजा को कहाँ बैठा दिया, ऊपर बैठा दिया। इसलिए ठाकुर अभी यही कर रहे हैं। वाह कितना बढ़िया आंसर दिया है। उसी तरह अगर आप कोई प्रश्न करना, भगवान को कोई देखा है, भगवान कोई कहते ना भगवान को कोई देखा है, हैं? नहीं, भगवान को देखने के लिए साधन की जरूरत है। हम कहते हैं ना उसके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं इच्छा है। इसलिए वो कण कण में विद्यमान है, लेकिन उनको पाने के लिए शास्त्र ने जो प्रोसेस बताया, प्रोसेस को हमें अबल मन करना पड़ेगा, तभी ठाकुर हमें दर्शन दे सकते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए कदम की पांच संतान हुए हैं। कदम यहाँ पर माता देहूति की कथा आती है। कदम श्री कर्दम ऋषि को साथ में देहूति की शादी हो गई। जब शादी हो गई फिर श्री कर्दम ऋषि भजन में बैठे 10,000 साल। फिर माँ देहूति पति की बड़ी सेवा की। सेवा करते 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 उन्होंने जब उनका आंख खोली ना, देखा देहूति की जटा जुट हो गई। कर्दम ऋषि जो शादी किए थे उन्होंने भूल गए, उन्होंने शादी किया था, सामने देखा है कि बुढ़िया बैठी हुई। बोले भैया तू कौन है। बोले महाराज जी आपको भी शादी किया था याद है। वो तू वही देहूती और आकृति देहूती प्रसूति इतनी सुंदरी थी, तीनों कन्या इतनी सुंदर थी। जब ये अपना आंगन में खेलती थी देवता लोग भी जिनकी सुंदरता को देख करके बेहोश हो जाती थी। मतलब ये तीनों कन्या इतने प्यारी थी, लेकिन ये पति की सेवा करते 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 एकदम बूढ़ी बन गई। क्यों? उनके केस में जटा जुट हो गई। बोले ऐसे क्यों? बोले पति तो खाना ही नहीं खा रहे, पर पत्नी खाना कैसे खाए। पति तो स्नान नहीं कर रहे, भजन में बैठे हुए, फिर ये स्नान कैसे करेगी। इसलिए अभी श्रृंगार नहीं करती है। बोले क्यों? बोले पति तो भजन में बैठे हुए श्रृंगार कैसे करेगी। देखो मैं देखता था अपना गांव में जितने माता है ना, कभी दिन में श्रृंगार नहीं, वो शाम का श्रृंगार करती थी। पता है क्यों? क्योंकि दिन भर पति अपना काम में जाते थे, पति वापस आते थे कब, पति आते थे शाम, आते थे वापस। इसलिए पत्नियां हमने देखा, हमारा माताएं ये शाम को ये सबके सब श्रृंगार करती थी। क्योंकि स्त्रियों का जो श्रृंगार है किसके लिए श्रृंगार करते हैं, दूसरों के लिए इनके श्रृंगार नहीं, इनके श्रृंगार केवल अपना पति के लिए श्रृंगार करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने पति की सेवा, और क्या है, जब तक पति खाना नहीं खाते हैं माताओं को खाना नहीं खाने चाहिए। पहले बच्चों को खिलाओ, पति को खिलाओ, फिर उसको बाद में हमें खाना खानी चाहिए। ऐसे नहीं खाना बनाए बच्चे पतियों को नहीं खिलाए पहले चट कर दिया, नहीं, ये हमारी शास्त्र की विचार हमारी नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अरे माता जी को कोई एक चेयर दे दो बैठने के लिए, कोई है कोई बैठने के लिए, हाँ वहां पर एक दे दो। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा।
बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए अभी श्री माता देवती को साथ में शादी हुई कर्दम ऋषि, उनकी पतिव्रता धर्म। देखो पतिव्रता धर्म तो कितने महत्व है, जो माताएं पतिव्रता धर्म में जाते हैं कितने शक्ति है। बोले देवती बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। बोले जब आपने तपस्या की थी, ठाकुर दर्शन दिया था, उन्हें दो वर मांगे थे। पहला वर उनको था, बोले प्रभु तभी मैं शादी करूंगा अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे, भगवान पर बेटे बन करके आऊंगा। बोले दूसरी वर मांगो, बोले तब तक संसार में रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए, फिर मैं अपना भजन के लिए चला जाऊं। बोले कोई बात नहीं, भगवान उनको वरदान दिया था। जब बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बोले शादी किया तो बच्चे के लिए ना, सृष्टि का क्रम बढ़े। बोले हाँ। बोले फिर तो संतान प्रदान करो। बोले एक काम करो, जाओ ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। स्नान करते ही पहले वो जितने सुंदरी थे, जब स्नान की पतिव्रता धर्म की कितने शक्ति, स्नान करते ही जैसे स्वर्ग के रंभा अवसर मेहनता होती है, वो ऐसे बन करके निकली, हजार दास दासियां साथ में निकली। तब से ही कर्दम ऋषि अपना योग प्रभाव से एक एरोप्लेन बनाया, जिसको नाम कहते कामक विमान। कामक विमान देखो पहले का जो साइंस है अभी का साइंस से बहुत एडवांस था, वरना आती है वो ऐसे सुंदर विमान था जिसमें सुंदर राजमहल है, जिसमें सुंदर सरोवर है, सुंदर राजहंस क्रीड़ा करते हैं, चार तरह का कमल फूल, नील पीले हैं, सफेद कमल फूल खिले हुए, और जहां पर सुंदर सुंदर सारे फलों का वृक्ष, सारे फूलों का वृक्ष जिसमें, और जिसमें बैठना जिसमें ठंडा भी नहीं गर्मी नहीं, और जिसमें बैठो कोई बूढ़ा बूढ़ी नहीं होगी, और वो चलेगा कैसे, पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं। कामक मतलब जैसे चाहोगे वो प्लेन वैसे ही उड़ेगा, वैसे ही उड़ेगा, कभी क्रश नहीं होगा, कभी एक्सीडेंट नहीं होगी। मतलब अद्भुत विमान है, बनना आया है कितने जोजन तक, लाख लोग जिसमें बैठ सकते हैं, लाख लोग जिसमें बैठ सकते, अद्भुत विमान। अभी बैठ करके उन्होंने आकाश में भ्रमण किया, उनको बड़ी सुंदरी सुंदरी नौटो कन्या हुई, अपूर्व कन्या नौट उनकी हुई। बोले देवती अभी तो खुश हो गई, ना बेटी तुम्हारी। बोले नहीं, क्योंकि बेटी तो शादी कर तो अपना ससुर घर चले जाएंगे, फिर मेरे पास में कौन रहेगा, अभी भगवान तो बेटे नहीं बन करके आए। फिर मैया देवती ने पति की बड़ी सेवा की, ठाकुर जी श्री कपिल बन करके ठाकुर जी आए। बोले श्री कपिल भगवान की। अगर घर में बेटी आए, पिता माता का पहला कर्तव्य क्या, पहले बेटियों को शादी करा, ये पहले कर्तव्य है, पहले बेटियों को शादी दिलाओ। अब लोग घर में बेटियों का शादी करवाया है, कौन कौन बेटियों का शादी करवाया, देखना एक बेटी को शादी करते घर खाली हो जाता है, लेकिन जिनको पास में नौ नौ बेटी बताओ शादी करने में कितना तकलीफ होगी। लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर प्रभु की भक्ति करोगे ना, कर्तना करते हो तुम कन्या, मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। अगर भगवान की भक्ति करोगे, ठाकुर जी अपने आप सब करा देते हैं। अभी नौ बेटी बड़ी हो गई, अभी ब्रह्मा जी दस पुत्र थे, उसमें एक नारद, वो बचपन से ही त्यागी। एक दिन नौ बेटे अपना पिताजी को साथ में कर्दम ऋषि को पास में आए, देखा इनकी नौ कन्या और इनकी नौ बेटे। बोले भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, नौ कन्या और नौ बेटी। बोले भैया शुभम शीघ्र, शुभ कार्य को जल्दी जल्दी कर देनी चाहिए। तो उन्होंने एक साथ में नौ बेटियों को शादी करवा दिया, करवा दिया तो पूरा घर खाली। अभी घर में तीन व्यक्ति रह गए, पिता माता और सिर्फ बेटा। लेकिन कर्दम ऋषि ने बताया था तब तक रहूंगा जब तक संतान नहीं हो जाए। फिर से कर्दम ऋषि भजन करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ प्रश्न आता है, बोले भैया तू भजन करने के लिए किसको जा रहे हो। बोले भगवान को। बोले भगवान को तेरे घर में बेटे बन गिर गए, भगवान को तेरे घर में बेटे है ना, जब भगवान तुम्हारे घर में बेटे बन करके आए फिर तुम फिर बाहर क्यों जा रहे हो भजन के लिए। हाँ ये चीज को अच्छा तरह समझो, बढ़िया से मन में कल प्रश्न करूंगा, सबको मैं पूछूंगा, घर में भगवान रहते हुए भी फिर इनको फिर भजन करने का क्या जरूरत,
कल मैं आपसे प्रश्न करूंगा, अभी मैं बताता हूँ, कल पूछूंगा, मैं देखूंगा कौन इसका आंसर दे सकता है। हाँ देखो, कहते हमारा जीवन का जो लक्ष्य है, भगवान हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं, लक्ष्य प्रेम, लक्ष्य प्रेम। बोले भैया इसका मतलब क्या है? बोले अगर जीवन का लक्ष्य भगवान होते, आप बताओ रावण ने राम को देखा कि नहीं? देखा, लेकिन क्या उसने किया? सीता को उठाकर ले लिया। रावण राम के साथ में युद्ध किया ना। मेघनाद ने राम लक्ष्मण को देखा कि नहीं? देखा, उसने क्या किया? लक्ष्मण को ऊपर में शक्ति शैल की प्रयोग की, राम लक्ष्मण को नाग फास बंधन में बांध दिया। बताओ कृष्ण की जो शिशुपाल दत्त पत्र, कृष्ण को देखा, कृष्ण सामने खड़े हुए, उन्होंने 101 गाली निकाला भगवान को, 101 गाली निकाला है, 101 गाली। अगर किसका गाली बोलो ना 5, 6, 10 बोलोगे तो उसका आगे गाली नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने कृष्ण को 101 गाली निकाल दिया। बोले भैया कृष्ण को देख करके, कंस ने कृष्ण को देखा, लेकिन क्या उसका हृदय परिवर्तन हुई? नहीं हुई है, नहीं हुई, बल्कि भगवान को साथ में लड़ाई किया। इसका मतलब कहते हैं अगर तुम्हारी हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो, अगर भगवान तुम्हें दर्शन दे देगा ना, तुम्हारी कुछ होने वाले नहीं, कोई भी तुम्हारी लाभ होने वाले नहीं। लेकिन जो प्रेम अगर हृदय में आ जाए ना, फिर भगवान के पास में जाने का जरूरत नहीं, फिर भगवान तुम्हारे पास में है। जैसे ध्रुव महाराज ने तपस्या की, जब तपस्या की, जब वैकुंठ से नारायण आ रहे थे, इतने में नारायण को सबके सब पूछे वैकुंठवासी, बोले प्रभु अब कहाँ जा रहे हो आप? सब धज करके आप कहाँ जा रहे हो? नारायण ने कहा मैंने ध्रुव जी को दर्शन करने जा रहा हूँ, दर्शन देने के लिए नहीं, ध्रुव जी को दर्शन करने में जा रहा हूँ। मतलब है अगर तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट होगा ना, फिर भगवान को पास में जाने का जरूरत नहीं, भगवान तुम्हारी पास में भगवान आएंगे। लेकिन हृदय में प्रेम कब आएगा? बोले जब तक हम साधन नहीं करेंगे, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हृदय में प्रेम आने वाले नहीं। इसलिए उन्होंने भगवान रहते हुए भी वो कहाँ जा रहे हैं? जंगल में भजन करने के लिए जा रहे हैं, ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए गए। अभी घर में दो व्यक्ति रह गए, कौन कौन? माँ और बेटा। लेकिन माँ को पता मेरा जो बेटा है ये भगवान है, मेरे बेटा ये भगवान। एक दिन माँ अपना बेटे को पास में आती है, देखो दूसरी शिक्षा लेते हैं, ज्ञान ऐसे की चीज है, ज्ञान ऐसे की चीज है, अगर बेटे को पास में ज्ञान हो, लेकिन मैया सुन सकती है। बेटा अगर संन्यास हो जाए, पिता का कर्तव्य प्रणाम करना, ये ज्ञान जीव को सबसे महान बना देती है, ये ज्ञान ऐसे की चीज ज्ञान है। इसलिए माँ आकर के अपना बेटे को पास में हाथ जोड़कर बैठ जाती है, बोले बेटा तू तो भगवान हो, मैं स्त्री जाती हूँ, मेरा मन बड़ा चंचल है, अभी मेरे को कुछ ज्ञान की बात बता जैसे मेरे उद्धार हो जाए। तब भगवान माँ को उपलक्ष्य करके उन्होंने इस सारा दुनिया को उन्होंने ज्ञान प्रदान की। बोले माँ ये जो मन है, यही मन सब कुछ है, हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, लेकिन इसका राजा कौन है? चले मन। अगर मन ने कहा भैया चलो भागवत कथा हो रही है, चलो भागवत कथा सुनकर क्या क्या हुआ, सबके सब इंद्रियां यहाँ पर बैठ गई। अगर मन बोलता अरे क्या जरूरत, टीवी खोल के बैठ जाओ ना, चलो नहीं तो शादी नहीं तो पार्टी में चलो घूम करके आते हैं, फिर क्या होता, ये सारे इंद्रिया मन के पीछे चले जाते। इसलिए ये मन को शुद्ध करना पड़ेगा है? इसलिए बोले माँ ये मन सबका राजा, यही मन है। इसलिए माँ अगर ये मन को ठाकुर जी के चरण में लगा दोगे, फिर उनको मुक्ति की कारण बनेगी। जब इसी मन को हम विषय में लगा देंगे, फिर ये बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए माँ ये मन को क्या करो, ठाकुर जी की भक्ति में लगा दो, ठाकुर जी की चरण में लगा दो। फिर मैया कहती है बोले बेटा तू तो बोल दिया, ये मन को ठाकुर का चरण में लगाओ। कभी ये मन बड़ा चंचल है,
कई से तेरा भजन करूं, ये तो मन बड़ा चंचल है, ये चंचल मन को फिर भक्ति में कैसे लगाएंगे। पर मैया ने कहा, भगवान ने कहा, देखो मैया, ये मन को भजन में लगाने का सबसे सरल उपाय है, बोले संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी अच्छी बनेगी तेरी टिकड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी टिकड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छा बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, तेरे बड़ भाग्य तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी,
तो शादी बजा है और कोई पता नहीं जब से मन पड़ा है क्या जिस दिन साथ आए हैं वो ये सोच रहे होंगे कि घर में बहू का ही मासूम तो नहीं था दिखा रहे तो सभी लोग शादी बजाए मन यहाँ पर है अभी महाराज जी मन की बात कर रहे थे मन को एकाग्र कर रहे हैं जैसे एक व्यक्ति मंदिर में गया है और मंदिर में जाकर मन कंट्रोल नहीं है कैसे आजकल जो महंगे महंगे जूते चप्पल होते हैं जूते ऐसी जगह पर रखते हैं ऐसी जगह पर रखते हैं कि जूते जी भी दिखे और भगवान जी भी तो वहां जाकर मंदिर में कैसे स्तुति कर रहे थे देखिए कि तमेव माता सफलता तमेव यानी कि भगवान क्या हुआ माता और पिता कौन हुए जूते तो इसलिए मन भगवान के ओर होना चाहिए इधर उधर जाए संतन के संगे Oh
बहुत कम बनाना चाहता है, देखो बीच में कोई नहीं चाहता, बीच में हर नहीं चाहता। अरे संपत्ति के मन संपत बदल जाते हैं, इसलिए जमीन लगे पर हाथ उठाए, हाथ उठाए, हाथ उठाने में क्या बोलता है। अरे मेरी जोर से कुछ दिन बाद में राजदूत से की कथा है, राजदूत से, इसलिए जोर से बोलिए क्या बोलना है। प्रेम से बोलेंगे तब तो हाथ उठाएंगे, हाथ उठाकर ताली बजाएंगे तो कुछ क्या कहते हैं तो तंदुरुस्ती आएगी, चलिए सभी सुनने का मन करेगा। कोई कोई तो दिन से घूम रहे होंगे, इसलिए सभी लोग एक बार जोर से ताली बजाकर बोलेंगे भाई क्या बोलेंगे, अगर तुम संतों का संगो करोगे तो कल्याण होने वाले। मैया पार्वती कहती है प्रभु संतों संग करने से क्या मिलता है, पहले से शंकर जी कहते हैं मन जन फल देखई तत्काला काक होई पी कर बको मरला। कहते अगर कौवा अगर गुस्सा लगाएगा ना वो कोयल बन जाएगी। आप लोग ने कौवा देखे हो, कौन कौन देखे कौवा जब बोलते हैं इसका बोली कैसे ता ता, अगर बैठ करके बोलेगा ना कान दर्द हो जाएगा। लेकिन बसंत ऋतु में अब कोयल देखे हो, बता कोयल का रंग कैसे है। हाँ कितने मीठी कितने मीठी मीठी कोयल की आवाज है को को। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती अगर ये कौवा अगर सत्संग में गोता लगेगा तो कोयल बन जाएगी। कोयल मतलब होता है भगवान की कथा, बड़ा मीठी है। दुनिया की कथा मतलब कौआ की जैसे का 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 है। एक जगह पर बैठ जाओ, कुछ माताएं बैठ जाओ, अब देखना दुनिया की बात करो, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई पड़ोस से दुखी, अब देखना दुनिया की बात करो दुखी दुखी हो जाओगे। लेकिन यहाँ ठाकुर जी कथा सुनकर जब यहाँ जाओगे ना सुखी होकर के जाओ, खुश होकर जाओगे। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती काक होई पी का बकौ मराला। बगुला देखे हो रंग कैसे है, सफेद। हंस देखे हो रंग कैसे है, सफेद। शंकर जी कहते पार्वती अगर कथा रूपी गंगा में अगर बगुला अगर गोता लगेगा हंस बन जाएगा। मतलब मतलब क्या, बगुला क्या खाता है, एक कीड़े मकोड़े गंदी चीज ढूंढता है, लेकिन हंस ये मानस सरोवर में रहते हैं और कमल मधु का आस्वादन करते हैं। बोले माँ अगर संतों का संग करोगे फिर तो दुनियादारी चीज में मुंह नहीं मारोगे, भगवान की प्रेम रस में मुंह मारोगे, जिसको पीने पर तुम्हें मन तन शांत हो जाएगी, हाँ तुम्हें आनंद मिलेगा। बोले बेटा तुमने बताया संतों की संग करो, बोले हाँ। बोले कुछ का लक्षण भी होगा, कुछ लक्षण बता दो। भगवान का माँ उनकी 26 लक्षण, लेकिन उसमें एक लक्षण विशेष है और जितने लक्षण है उनके बाहर का लक्षण है।
बोले उनका पहला लक्षण है तितिक सम, देखो ये चीज को समझवण करो। तितिक सम मतलब होता है सहन शक्ति। आप संसार में रहो नहीं तो संत जगत में रहो, सहन शक्ति सबसे बढ़िया। अगर जो सहता है ना वो रहता है, और जो नाश है वो नाश हो जाए। अगर संसार में थोड़ी थोड़ी बात में मचल जाओगे, क्रोध आएगा, पर संसार में क्या सुख रहेगा? सुख नहीं रहेगा। इसलिए हर जगह पर सहन करने का शक्ति होनी चाहिए। देखो एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम। नाम क्या था? तुकाराम। कभी भी इनके अंदर में क्रोध कभी नहीं आता। एक समय लोगों ने देखा भैया ये ऐसे एक संत कभी इसमें क्रोध ही नहीं आता है। बोले आज इनको क्रोध दिलाएंगे। बोले क्या करे? बोले रोज ये गंगा में नहा करके आते थे। एक व्यक्ति ने किया क्या, टोकरी में कचड़े लेकर खड़े हो गए। बोले आज जब वो संत आएगा ना, सीधा उनके सर पर इसको डाल देंगे। और सीधा उनके सर पर डाल दिए, लेकिन वो संत कुछ भी नहीं बोला। दो बार गए गंगा में नहा करके आ गए, फिर दो बार भी डाल दिया, कुछ नहीं बोला। ऐसे उन्होंने 100 बार सर पर कूड़ा डाले, कुछ नहीं बोले। गंगा में नहा करके आए। जब 100 बार डालने जा रहे थे ना, इतने में जब डाले तब भी कुछ नहीं बोले, तब उनकी चरण में लोग गिर पड़े। बोले बाबा आज तक आप तो हम क्रोध दिनाला चाहते थे इसलिए कचरा डाले, लेकिन आपकी चरण में हमने अपराध कर दिया, हमारी अपराध को माफ कर दो। देखो संतों ने क्या बताया। बोले तुम्हारे जैसे हमारी उपकार करने वाले कोई नहीं। बोले कैसे? बोले रोज में गंगा में एक बार नहाया करता था, आज तुम्हारी वजह से हमारे कितना बार नहाना होगा? 100 बार। इसलिए तुम्हारे जैसे हमारे कोई कल्याण करने वाले नहीं। बोले संत ऐसे दया, हमारे संप्रदाय में हरिदास ठाकुर थे जो कि 3-3 लाख हरिनाम करते थे। 1 लाख हरिनाम तो जोर जोर से, एक बार आप लोग भी बोलो। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। किसने पूछा भैया तू ये चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोल रहे हो? हमने सुना भजन मन मन में करते हैं, तू इतने जोर जोर से हरे कृष्णा वो दुनिया को सुना रहे हो। देखो संत क्या कहते हैं। तो उन्होंने पूछा मुसलमान को, बोले ये बताओ एक व्यक्ति कमा करके खुद खाता है और एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, बताओ दोनों में बड़े कौन? बोले जो परिवार को खिलाता है। बोले उसी तरह जो अपना मन मन में हरि नाम करता है वो अपना अपना कल्याण करता है, लेकिन जो ऊंचे स्वर से हरि नाम करता है जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े लता पता ये कोई ठाकुर का नाम नहीं ले सकते हैं। जब उच्च स्वर से हरि नाम करे ये सबको कान में ठाकुर जी की सबका नाम कान में नाम ठाकुर का नाम पढ़ता है सभी का कल्याण होता है। तब उन्होंने एक पुराण से श्लोक उठा करके बला बोले, बोले जप तो हरि नामा निस्तानी सत्तो गुणाधिक। मतलब है जो मन मन में हरि नाम करते हैं उसको जितने पुण्य मिलेगा, जो जोर जोर से हरि नाम करते हैं उसको 100 गुण ज्यादा पुण्य मिलेगा। क्यों? वो जो जोर जोर से करता है नाम सभी को कान में जाता है, और जोर जोर से करने पर ये नाम ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म, शब्द कभी नष्ट नहीं होता है, शब्द कभी नष्ट नहीं होता है। ये हरे कृष्णा जैसे इतना लोग हरि नाम किया, इसका जो वाइब्रेशन इसका लहरी सब जगह में जाएगी, और जितना दूर तक जाएगी उतना मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी का नाम। इसलिए वो संत 3-3 लाख हरि नाम करते थे। एक दिन मुसलमान बिगड़ गया, बोले खबरदार ये हरि कृष्ण नाम नहीं कर सकते हो। बोले मेरे शरीर को भले बोटी बोटी करके काट डालो लेकिन प्रभु का नाम कभी भी नहीं छोड़ूंगा। उसको 22 बाजार में पिटाई हुई, लेकिन जितने जोर जोर से उसको पिटाई कर रहे थे उतना जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतने में ठाकुर जी स्वयं सुदर्शन चक्र लेकर के वैकुंठ से आ गए, और हरिदास ठाकुर उनका कल्याण चिंता कर रहे थे। बोले ठाकुर जी ये अज्ञ मूर्ख कुछ नहीं जानते, अब इनको ऊपर में कृपा करो। फिर ठाकुर जी इनको पीठ के ऊपर अपना पीठ लगा दिया, और जितने पिटाई हुई ना सब ठाकुर ने ग्रहण कर लिया।
उनको कुछ होने नहीं दिया। हाँ शिक्षा देते हैं, अगर हम ठाकुर जी का नाम लेना, ठाकुर जी हमें रक्षा करते हैं। जैसे प्रहलाद गोबर में कितने विपत्ति आई, उसको पिता मारने के लिए कितने कोशिश किया, लेकिन ठाकुर जी अपना गोद में उनको बैठा करके रख गए, उनको कुछ बिगड़ा नहीं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए बोले माँ संतों का जो पहला लक्षण बड़े सहन शक्ति, इसलिए हमारी अंदर में भी सहन। ऐसे बात बात पर क्रोध, बात बात पर कचल जाना, कहीं भी आपको शांति सुकून नहीं मिलेगी। इसलिए कभी भी चंचल नहीं होनी चाहिए, हर समय सहन करने का शक्ति रखनी चाहिए। इसलिए भले माँ उनकी 26 लक्षण है, लेकिन एक उनका विशेष लक्षण है कृष्ण का शरण। एक उन्होंने एकनिष्ठ होकर के केवल ठाकुर जी कृष्ण के चरण में शरणागत है। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, जो भक्ति है ना, ये चीज को ध्यान देकर सुनो, भक्ति एकनिष्ठ होनी चाहिए, बहुनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक साधे और सब साधे सब जाए। जो एकनिष्ठ होकर के एक को भक्ति दृढ़ पूर्वक करते हैं, वो तो सक्सेसफुल हो जाता है। आज इनको पूजा कर दिया, कल उनको पूजा कर दिया, कल उसी को पास में, परसों उसको, भैया मन पे एक है ना, लेकिन ये मन कितने को दोगे? जैसे कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई डॉक्टरी करता है, कोई सीए करता है, एक टपी को लेकर पढ़ता है तब तक सक्सेसफुल होता है, अगर सारे टपी को पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। इसलिए एक साथ है, बोले एक कौन है, बोले श्री वाकेंद्रिया है, ये ऐसे एक देवता है। इसलिए अर्जुन को विराट रूप दिखाया ना, देखो अर्जुन में कौन हो, जिसको शंकर कहते हो देखो शंकर मेरे में, जिसको दुर्गा कहते हो दुर्गा मेरे में, जिसको हनुमान कहते हो हनुमान मेरे में, जिसको गणेश कहते हो गणेश मेरे में, इंद्र चंद्र उन्होंने सारा दुनिया को दिखा दिया। हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके दुनिया में और कुछ है ही नहीं, विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में। तब भगवान दो उदाहरण देकर समझाए, ये चीज को दिमाग में बैठा लो। पहला उदाहरण दिया जैसे कि वृक्ष है, अगर हमें वृक्षों का जड़ में पानी दे दे, फिर और कहीं पानी देने का जरूरत है, जड़ में दे दो पूरा पेड़ में चली जाए। अगर कोई व्यक्ति जड़ में नहीं दिया, दिन भर उसको पत्ते में देते रहो, उसका फल को धोते रहो, उसको टहनिया को धोते रहो, बोल बताओ पेड़ जिंदा रहेगा नहीं? क्यों पूरा पेड़ में पानी दे रहे हो? बोले भैया जितने पेड़ में पानी दो, अगर जड़ में नहीं दोगे ना। दूसरा उदाहरण दिया जैसे आहार, भोजन, भोजन कहाँ देते हैं? बोले मुंह में। अगर मुंह में भोजन दे दो ना, पूरा शरीर तुम्हारी काम करेगा। तो बोले क्यों? कान में सुनते हैं ना, थोड़ी कान में डाल डाल के। बोले आंखों में देखते थोड़ा रोटी दे दो। बोले हाथ में काम करते फाड़ करते चावल दे दो। कोई देते हो आहार कहाँ देते हो? मुंह में। अगर पेट में आहार चली जाए ना, आपका सारे इंद्रिया सही काम करेगा, सारे इंद्रियां सही काम करेगा। कि उसी तरह आप लोग सुने होंगे, कहते ना, जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा कर सकते। जब जिसको पर हरि की कृपा हो जाती है, उसको पर सब की कृपा अपने आप हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर में विश्व ब्रह्मांड है। उनके अंदर में 33 करोड़ देवता, अगर दिन में 1 करोड़ देवता को पूजा करो ना, 30 दिन में कितना हो गए? 30 करोड़। फिर एक फिर बाकी रह गए कि नहीं? इसलिए कितने को संतुष्ट करोगे, कितने को संतुष्ट करोगे? एक को राजी करोगे, दूसरे मुंह बुलाकर बैठ जाएगा, दूसरों को राजी करके तीसरा मुंह भुला कर बैठ जाएगा, फिर कितने को मनाओगे तुम? लेकिन अगर केवल कृष्ण को मना लिया तो ये सारे देवता प्रसन्न अपने आप हो जाते हैं। इसलिए मीरा कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा ना कोई। जब उद्धव जी ब्रज में गए, गोपियों को ज्ञान की बात बताया, बोले गोपियां ध्यान करो भगवान की, भगवान की ध्यान करो। गोपियां क्या कहते? बोले उद्धव मन ना भयो 10-20, एक मन सो गए श्याम संगीत को आराध ईश। बोले उद्धव मन थोड़ी 10-20, मन से एक है ना, वो तो कृष्ण को साथ में ये मन गया, पर ध्यान तो मन में होता है ना, लेकिन मन तो एक ही है, मन तो कृष्ण को साथ में गया, मन तो कृष्ण को साथ में गया। हाँ इसलिए मन एक है, ये एक मन को हम एक को दे सकते हैं, इसलिए वो मन बांके बिहारी को देनी चाहिए।
बोले दूसरे देवा देवी बोले सबको सम्मान करो, किसी को असम्मान कभी मत किया करो। क्यों? भगवान कृष्ण ने ही इनको एक एक पोस्ट दिया है, भगवान इनको एक एक पोस्ट ठाकुर ने दिया, इसलिए सबका सम्मान करो। लेकिन अपना हृदय में केवल श्री बांके बिहारी का हृदय में बैठो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान बोले मैया, तब उन्होंने सृष्टि का क्रम उन्होंने वर्णना किया। बोले माँ, जब ये जीव मरने का बाद ये जीव को चंद्रलोक में भेज दिया जाती है, फिर चंद्रलोक में जा करके फिर ये चंद्रमा का किरण देख करके किसी फल को आश्रय ग्रहण करता है। कितना दाने दाने में, दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ है। जिसको भाग्य में जो लिखा हुआ होगा ना, वो वही फल खाएगा, दूसरे फल नहीं खा सकते। इसलिए एक समय दो संत में लड़ाई हो गई। एक ने कहा देखो दाने दाने में, दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ। दूसरा एक नास्तिक था, बोले बेकार बात कह रहे हो, अगर मैं खाना नहीं खाई मेरे मुंह में थोड़ी कोई ठोस करके खिला देगा। जो एक संत था बोले देख, अगर तेरे भाग्य में लिखा हुआ होगा ना, तू कहीं भी जाओ जरूर तेरे को मिलेगा। अगर बोले मैं पेड़ के ऊपर बैठ करके रहूंगा मेरे को खाना खिला देगा, बोले भैया अगर भाग्य में लिखा हुआ तो मिलेगा। उसने उसका साथ में लड़ाई कर दिया। बोले आज मैं देखता हूँ, एक पेड़ के ऊपर बैठ कर देखता हूँ कोई कैसे खाना आता है। बोले अगर भाग्य में होगा तो जरूर जाएगा। उसने एक नदी बह रही थी, उसको किनारा में एक पेड़ था, उसने जाकर सीधा पेड़ पर बैठ गया। बोले देखता हूँ, वो अकेला बैठा हुआ देख रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इतने में कुछ लोग आए नदी में नहाएंगे, और वहीं पर बड़े एक प्योर घी की उन्होंने पूरी बनवाए, प्योर घी के आलू गोभी की सब्जी बनवाए, और प्योर घी की काजू किशमिश डालकर हलवा बनवाए। बोले यहीं पर बैठ कर भोजन करें। वो ऊपर से सब कुछ देख रहा है पीछे क्या हो रहा है। इतने में क्या हुआ, उसी जंगल में कुछ चोर रह रहे थे। इतने में डाकू लोगों का आक्रमण हुआ। आक्रमण हुआ तो वो जो खाना बना रहे थे, इतने में उन लोगों ने ना खाना छोड़कर भाग गए वहां से। वो सब देख रहा है क्या हो रहा है। इतने में वहां डाकू लोग आ गए, आकर के बोले भैया बड़े भूख लग रहा था, देखो कितने सुंदर पूरी सब्जी और प्योर घी का हलवा बना हुआ काजू किशमिश, चलो भोजन करेंगे। एक डाकू ने कहा सावधान, लगता है कुछ लोगों को पता हम इस जंगल में रहते हैं, इसलिए हमें मरवाने के लिए ना इसमें जहर मिला करके इसमें छोड़ कर गए। देखो जरूर आसपास में कोई जरूर होगा। बोले भैया बात सही बात है। बोले देखो सब इधर उधर देखने लगे, देखते देखते देखा सचमुच वो पेड़ के ऊपर आदमी बैठा था। बोले बता रहा था ना कोई हमें मरवाने के लिए बैठा, वही इसमें जहर मिला करके हमको मरवाने के लिए बैठा हुआ। बोले भैया नीचे उतर हमें मरवाएगा, अभी तेरे को मरवा नीचे उतर। उसको जोर जबरदस्त उतार, बोले खाओ, नहीं खा मारे थप्पड़, दो चार दो थप्पड़ मारे, बोले खा इसको। वो दो तीन आदमी को खाना था और मार मार करके उसको खाना खिलाया ठोस करके। बोले हमें मरवाया मत, तुम हम जा रहे हैं। जब चले गए ना, बोले भैया सचमुच से दाने दाने में मैं कहां ठाकुर के साथ में लड़ाई करके पेड़ पर बैठा दिया, और कहां यहां पर इतने बढ़िया खाना, और मैंने भगवान से लड़ाई की ना, इसलिए दो तीन आदमियों को खाना को एक बार बार कर खिलाए, मार मार कर खिलाए। इसलिए उसको इतने विश्वास प्रभु के प्रति हो गई। वो तो पहले बड़ा नास्तिक था, देखो उसने क्या किया लिखा, बोले अजगर ना करे चाकरी, पंखी करे ना काम, दास मलुक कह गए सबके दाता राम। ये उन्होंने लिखा है, बोले सबके दाता राम है। इसलिए भगवान के तो मैया दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ। अभी जिसकी भाग्य में जो फल लिखा हुआ होगा वो वही फल को वही खाएगा। वो फल अंदर में जा करके फिर शरीर में खून का रूप धारण करता है, फिर वो वीर्य का रूप धारण करता है, फिर पत्नी पत्नी में मिलन होती है, फिर तब पत्नी गर्भ में फिर ये बच्चा जन्म लेता है। जब 7 महीना हो जाएगा उसको ज्ञान हो जाता है। अभी सारे पूर्व जन्म की बात उसको याद आने लग जाती है, 1000 जन्म की बात याद आता है, पहले जन्म में मैंने कैसे उल्टा पुल्टा कर्म किया, कर्म का फल कैसे भोग कर रहा हूँ,
मातृ गर्भ में काफी पैसा खून से भरा पड़ा हुआ, उसको अंदर में उसको 9 महीना रहना पड़ता है, सर नीचा टांग ऊंचा रहता है और माता ही चटपटी चीज खाने पर शरीर में बड़ा लगता है। भगवान को पुकारता, बोले प्रभु मेरे को ये नरक से जल्दी निकालो। भगवान कहते क्या करोगे निकल करके? बोले मैं समझ गया दुनिया में कोई इसका नहीं है, अगर इस बार मेरे को एक बार जन्म दे दो ना, उठते बैठते सोते में तेरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 तेरे पे भजन करूंगा। बोले सही बता रहे, बोले प्रभु एकदम सही बता रहा। बोले अगर भजन नहीं करोगे ना, बीच बीच में तेरे को वार्निंग दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे? बोले पहले जब एक बाल पक जाए ना, ये फर्स्ट वार्निंग। बोले ऊपर जाने का समय हो गया, तुम फायदा करके आया था, हरिनाम करोगे? कितने समय टीवी देख रहे हो, कितने समय गप्पे मार रहे हो, कितना समय माला जप करते हो, कभी ये की वार्निंग की है। लेकिन एक बाल पक गया तो उसे उखाड़ देते हैं। बोले इतना जल्दी बुढ़ा बुढ़ी बना रहे? फिर दूसरा बाल पकता फिर उखाड़ देते हैं। अगर खिचड़ी बन गया ना, फिर कलर कर देते हैं। कभी हमारे कुछ नहीं हुआ। बोले दूसरा वार्निंग ही दूंगा। बोले क्या? बोले आंख में देखना कम हो जाएगा। फिर बढ़िया गंगाज बना करके हीरो बन करके फिर गगले से लगाते हैं। बोले तीसरा वार्निंग ही दूंगा। बोले क्या है? बोले जब खिलखिला कर हंस रहे हो ना, एक एक दांत तोड़ना शुरू कर दूंगा। फिर बढ़िया डेंटिस्ट के पास में जाकर बढ़िया दांत लगा लेते हैं। भगवान कहते फोर्थ वार्निंग ही दूंगा। बोले क्या करोगे? बोले 2 प्यार से 3 प्यार हो जाएगा। बोले डंडा लेना, डंडा पर चलोगे है। बोले फिर तेरे को फोर्थ वार्निंग नहीं, फिर राम नाम सत्य है, ये एक वार्निंग है। इसलिए भगवान कहते माँ समय रहते रहते प्रभु का भजन कर लो। कोई कहीं कहते ना, अभी क्या भजन करेंगे, हम क्या बुढ़ा बुढ़ी हो गए? भगवान कहते माँ बुढ़ा उम्र में भजन नहीं होगा, कान में सुनाई नहीं पड़ेगी, दांत टूट जाएगी, आंख में देखने की शक्ति नहीं रह जाएगी, कमर टेढ़ी हो जाएगी। उस समय शरीर की याद करोगे ना, ठाकुर की याद करोगे माँ। इसलिए माँ जवानी अवस्था में 5 साल उम्र से प्रभु का भजन करना शुरू कर दो। बोले 5 साल से क्यों करेंगे? बोले बड़े हो जाने पर करेंगे। बोले भैया कोई गारंटी कार्ड है? इसको पास में कोई गारंटी कार्ड क्या है? इतना दिन तक जिंदा रहेंगे कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता है। बोले भगवान कहते हैं, बोले माँ मैया कहते अगली जीवन में। बोले माँ ये जो मानव शरीर है 184 भ्रम के नरक नहीं, ये 84 लाख जन्म के बाद एक बार मानव शरीर मिला। ये मानव शरीर ठाकुर बारंबार नहीं देते माँ। इसलिए जितने जल्दी हो भगवान की भक्ति करना शुरू करो। मैया कहती कि बुढ़ापा में भजन नहीं होगी। भगवान कहते नहीं। तो देखो उन्होंने क्या उदाहरण दिया, उन्होंने 2-3 उदाहरण दिया। जैसे कच्चा मिट्टी हो, आप देखना कच्चा मिट्टी में जो कुछ बनाना तो बन जाओगे। मिट्टी जब पक जाती है फिर उससे कुछ बनती है नहीं। जब कागज कोरे हो ना, कोरे कागज में जो कुछ लिखना लिख सकते हो, लेकिन कागज में जब लिख जाती है एक बार, उसके ऊपर लिखा जाता है नहीं। फूल जब खिला हुआ रहता है, वो खिला हुआ फूल को ठाकुर का चरण दे सकते हैं, लेकिन फूल जब मुरझा जाती है सूख जाती है फिर ठाकुर जी का चरण में चढ़ता है नहीं चढ़ती है। जब पौधा छोटा होना, एक जगह से उखाड़ करके दूसरे जगह पर लगा दो, जम जाएगी, लेकिन जब बड़ा हो जाए फिर वो जमती नहीं है। इसलिए जैसे बांस जब कच्चा हो, वो कच्चे बांस को जितना टेढ़ा करना कर दोगे, लेकिन बांस जब पक जाए फिर टेढ़ा होगी, वो टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं माँ भजन अगर बचपन में तू नहीं करोगे, बुढ़ापा में भजन नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले रील में जो भरा होगा वही तो निकलेगा। जिंदगी भर तक कचड़े को भर दिए और बोलेंगे नहीं उम्र होने पर भजन करेंगे, आप स्वयं देख लो। बोले 10 मिनट ठाकुर का चरण में मन लगाएगी, बैठो ठाकुर के दर्शन। बोले 10 मिनट क्या, 1 मिनट भी मन नहीं लगेगा। बोले क्यों? बोले रील में जो भरा हुआ वही निकलेगा। रील में तो प्रभु का भक्ति नहीं भरे, कचड़े भरती है। बोले भगवान की भक्ति कैसे निकलेगा? इसलिए माँ 5 साल उम्र से भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हरे। बार जोर करके बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। तन श्री कथा की षष्ठ स्कंध की कथा जिसमें भगवान नाम की महिमा बताते हैं, ठाकुर जी की नाम में कितने शक्ति, तब इसकी कथा सुनाते हैं। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी सुनाए, पर देखो भगवान का जो नाम है ना, अगर किसी तरह से ठाकुर जी की नाम मुंह से निकल जाए उसका कल्याण हो जाता है। केवल ठाकुर का नाम से जीव का उद्धार होता है। तब उन्होंने एक सुंदर कथा सुनाए, बोले कान्याकुंज देश में एक एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति था, गुरुजनों को प्रणाम करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, तीन दुखी को ऊपर दया करना, पिता माता की सेवा करना, मतलब एक व्यक्ति को अंदर में जितने सद्गुण उसके अंदर में सारे सद्गुण। पत्नी ब्राह्मणी, कम उम्र की बड़ी अच्छी प्यारी पत्नी है, बड़ी सुंदरी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसने एक दिन यज्ञ की लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया। जब जंगल में गया इतने में उसने देखा एक शूद्र और एक शूद्रानी दोनों आपस में शराब पी करके दोनों विवस्त्र होकर के मिल रहे। जब उन्होंने ये दृश्य को देखा इतने में वो तो देखने लग गया, उसको देखते ही रह गया, मानो उसको मन में वो फटो खींच गई। जब फटो खींच गई, अभी जब वो घर में आया, घर में ब्राह्मण ही कम उम्र की पत्नी बैठ के आ रही है, देखो ये असत संग की कितने प्रभाव दिखा रहे। ब्राह्मण घर के सारे सद्गुण हैं, लेकिन एक बार ये गंदी चीज देखा तो अभी ये मन को किसी तरह से समझा नहीं पा रहा। मन ही बारंबार उस गंदी चीज के प्रति जा रही है, बारंबार गंदी चीज को प्रति जा रही है। लास्ट में अपना ब्राह्मण को उसने त्याग दिया और वो सुंदरानी वेश्या को साथ में रहने लग गया। देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं हमें ना, ये गंदी गंदी जो फटो है, गंदी गंदी उल्टा पुलटा जो पिक्चर नहीं देखनी चाहिए। देखना पहले जो बड़े बूढ़ों को पूछो, जो पहले पिक्चर आती थी सब धार्मिक, रामायण कृष्ण लीला महाभारत ध्रुव प्रहलाद सब देखना, पहले जितने पिक्चर आती थी कोई गंदी पिक्चर कभी नहीं आती थी, सब धार्मिक। लेकिन अभी देखो अगर कोई धार्मिक पुस्तक चलेगा नहीं, जितना गंदी गंदी पिक्चर होगा वही चलेगा। अभी बच्चे इतने क्यों बिगड़ रहे, स्मार्टफोन लेकर के उल्टा पुल्टा गंदी गंदी चीज को देखते हैं, ये डाइवर्स क्यों हो रही। यही कारण है, केवल यही कारण है गंदी गंदी। अजामिल जैसे इतने ब्राह्मण सद्गुण संपन्न व्यक्ति अगर एक बार गंदी चीज को देख करके, अगर उसने पत्नी को त्याग दे करके भ्रष्टाचार बन सकता है, अगर हम उल्टा पुल्टा चीज देखेंगे फिर हमारा मन कभी सही रह सकता है। इसलिए अभी उसको उन्होंने अपना पत्नी को त्याग दिया, उसको 10 बच्चे हुए। अभी सबसे जो छोटा बच्चा था उसने उसका नाम उसने नारायण रख लिया, हिंदू तो था ब्राह्मण था, किसी तरह से उसने नारायण राम रख दिया। अभी सबसे छोटा बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होता है, इसलिए बारंबार बोलता बेटा नारायण मेरे लिए पानी ले आ, बेटा नारायण तू कहाँ हो, इधर आ बेटा नारायण मेरे गोद में आ जा। जैसे बच्चे को बुलाते हैं ना बारंबार वही नारायण नारायण नारायण। अभी उसके मृत्यु का समय आया, मरते समय हम जो कर्म करते हैं काय मन और वाक्य ये तीनों को द्वारा हम कर्म करते हैं, इसलिए मरते समय तेरे जमदूत उसको लेने के लिए आए। जब लेने के लिए आए इतने में उनको देख कर कितना डर गया उसने, उसने इतने डर गया अपना बेटे को दूर में देखा खेलते हुए, इतने में अपना बेटे को बुलाया बेटा नारायण। ये चार अक्षर है ना रा या ना, ये चार अक्षर है। इतने में झट चार विष्णु वैकुंठ से आ गए, बोले माँ भाई कोई डर भय की बात नहीं, हम ही रक्षा करने वाले। अभी अजामिल को जो आत्मा को उन्होंने काल फास में लगा कर उसको आत्मा को खींच रहे थे, इतने में चार विष्णु दूत आ गए, इतने सुंदर देखने में और इतने चमचमाते हुए रूप था, एकदम चारों तरफ उजला उजला हो गया।
इतने में विष्णु दूत प्रश्न कर रहे हैं, जब तो तुम भैया तुम लोग कौन हो? बोले हम धर्म राजा का। बोले धर्म राजा का? धर्म राजा का नाम बोल रहे अधर्म कर रहे हो। बोले क्या अधर्म कर रहे हैं? बोले इसको क्यों ले जा रहे हो? बोले आपको पता है इसने क्या किया? ब्राह्मण घर में जन्म लिया, ब्राह्मणी पत्नी अच्छी सुंदरी थी, अपना पत्नी को त्याग दिया, वैश्या को साथ में रहा, उसकी हाथ में अमृत कुमत खाए, बच्चों को पालना करने के लिए चोरी गुंडा गिरती बदमाशी हर तरह से पाप कर्म किया, इसलिए सीधा नरक जाएगा। विष्णु दूत ने कहा भैया कुछ धर्म अभी तक किया? बोले क्या धर्म किया? बोले अभी जो नारायण नाम लिया। बोले वाह, जिंदगी भर पाप कर्म करो, मरने से पहले एक बार राम बोल दो, हो गया। जिंदगी भर पाप करो और मरने से पहले राम बोल दिया, हो गया तुम्हारी। तब विष्णु दूत कहते हैं बोले मूर्खो, तुम्हें पता है ठाकुर का नाम में कितने शक्ति है? उन्होंने उदाहरण दिया जैसे भूस का कोई ढेर हो, नहीं तो रुई का कोई ढेर हो, देखना आग की चिंगारी अगर पड़ गया ना वो जला करके ध्वंस कर देगा। भगवान का नाम कैसे है? बोले हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। आनंद में निकलाया परिणाम, आनंद में निकलाया परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि भगवान का नाम लेने का क्या जरूरत?
मरते समय पहली बार ले ली, मरने से पहले एक बार ले लेंगे। कहते भैया नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। कहते ये मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंत राम कहीं आवत नहीं, अंतिम समय में प्रभु का राम नाम नहीं निकलता, जन्म जतन करने पर भी नहीं निकलता। ये एक अर्थ है। दूसरी अर्थ देखो, भले जन्म कोई कहते हैं ना, अरे अभी से करने का क्या जरूरत, मरने से पहले ले लेंगे। नहीं भैया, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं तभी अंत राम कहीं, क्योंकि जिंदगी भर जो रील में भरे वही तो निकलेगा, रील में जो भरे वही तो निकलेगा, जो रील में भरा नहीं हुआ निकलेगा कहां से। अगर जन्म जन्मांतर का जतन करोगे ना तो अंत राम कहीं, तब भी कहीं अंतिम समय में राम का नाम आएगा। और अंत राम कहीं फिर आवत नानी, फिर संसार में नहीं आएगा। हैं, जैसे एक बच्चा जैसे इंजीनियरिंग करता है, डॉक्टर भी करता नहीं तो सीए करता है, कितना साल पढ़ाई करना पड़ता, 25 साल तक वो पढ़ता है, कितने लाख रुपया खर्चा हो जाता है। और जब एग्जाम आता है ना, पागल होकर एक महीना रह गया तो 10-10, 15-15 घंटा रखता है। कल अगर पेपर हो ना, रात भर सोएगा नहीं, पूरा दिमाग में इतने बड़े पुस्तक को भर करके लेकर जाएगा। कितना साल लगता है, 25 साल बढ़ता है। लेकिन जब पेपर आता है ना पास होने का, बस एक दिन पेपर दिया, बस नौकरी मिली गई। 2-3 घंटा पेपर, लास्ट पेपर होता है, अगर उसमें एग्जाम में पास हो गया तो उसने पास कर गया। लेकिन 1-2 घंटा एग्जाम के लिए उसको इतना साल पढ़ाई करना पड़ा, 25 साल तक उसने इतने पैसा खर्चा करवाया, दिन रात बराबर करके पागल होकर के रटा, कभी 1-2 घंटा एग्जाम के लिए। बस सुनो ना, जो तबला सीखते हैं ना, तबला सीखते हैं 10-15 साल तक सीखते हैं, लेकिन उनका जो एग्जाम होता है 5 मिनट के, केवल 5 मिनट तबला सुनिंग होता है, 5 मिनट में अगर बढ़िया बजाते हैं पास हो जाए, लेकिन 5 मिनट के लिए 10-15 साल तक प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, अगर बचपन से अगर हम ये चीज को भक्ति को आदत करेंगे ना, तो ना अंतिम समय में आप जो जिंदगी भर पर वही तो निकलेगा ना। इसलिए गोस्वामी जी कहते भैया बचपन से आदत डालो, बचपन से आदत डालोगे ना अंतिम समय में कहीं भगवान की याद उतना ही आएगी, ठीक है ना। इसलिए श्री विष्णुदत्त यहाँ पर कहते हैं, बोले देखो भगवान का नाम 4 तरह से कल्याण करते हैं। कितने तरह से? 4। पहला नंबर बता सांकेत्यम। सांकेत्यम का मतलब होता है जैसे इशारा करके, जैसे के बेटा का नाम कृष्ण रख लिया, किसका नाम गोविंद रख लिया, किसका नाम माधव रख लिया, हाँ भगवान का नाम, उसको जो बारंबार हम बुलाते हैं इसको संकेत कहते हैं। इसको द्वारा भी जीव का कल्याण हो जाता है। उसने जो बुलाया, किसको बुलाया, भगवान का नाम लेकर बुलाया, अगर की नाम लेकर तो उसने बुलाया है। इसलिए आप देखना, जितने बड़े बुढ़ों का नाम पूछो, जितने पुरुषों का कृष्ण गोविंद दामोदरी सब नाम होगा, और जितने माताओं को बड़े बुढ़ों का माता गीता सीता सावित्री राधिका सब नाम। लेकिन अभी बच्चों का नाम पूछो, टुन्नो बुल्लू टिक्की रिक्की, ये सब विदेश में कुत्ते सब कुत्तों का नाम, मैं विदेश जाता हूँ, ये सब कुत्तों का नाम बच्चों को धरवाते बोला, ये सब पुराना नाम कृष्ण गोविंद था, अभी बच्चों का नाम भगवान का नाम कैसे धराएंगे, कल्याण नहीं हो जाएगा, हमारा उद्धार नहीं हो जाएगा। इसलिए क्या करो, विदेश का कुत्तों का नाम पकड़वा दो, नहीं ये हमारी संस्कृति नहीं है। वृंदावन गए हो, कौन कौन वृंदावन में गए, आप देखना एक इस्कॉन मंदिर में जाना, देखना अंग्रेजी बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को देखना, आप स्वयं की छोटी लड़की और लड़कों का नाम पूछ करके देखो, भगवान के नाम कुंज बिहारी राधा कांत गोपाल ऐसे ऐसे, लड़की को नाम पूछो गीता सीता राधिका ललिता विशाखा, वो भी हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। हम कहते गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं, कहते हरे कृष्ण राधे राधे, वो हमारी संस्कृति को ग्रहण कर रहे हैं। रसिया की एक लड़की आई है, ये रसिया भी जानते हो, वहां पर सरकार से रसिया की लड़कियां सरकार से केस कर दिया, बोले हम ये साड़ी पहन करके हम कॉलेज को नहीं जाएंगे, हम साड़ी पहन कर कॉलेज जाएंगे, लेकिन हमारे देश का लड़कियां बोले जीन्स पहन करके हम कॉलेज को नहीं जाएंगे।
और कितना उल्टा, आप कभी जाकर देखो वहां के जो विदेशी माताएं अमेरिका लंदन कितने सुंदर साड़ी पहने, सर पर कपड़ा रखे, तिलक लगाए, गले में कंठी माला। हम हिंदू है, इसको कोई गीता का श्लोक पूछो, इसको पूछो कोई गीता का श्लोक नहीं, लेकिन कौन सा हीरो का नाम क्या, कौन सा हीरोइन का नाम पूछो, सारे दुखस्त करके रखते, सारे गंदी चीज को याद करके रखते। लेकिन आप जाओ उनको पूछो कितने गीता के श्लोक भागो, या फिर लड़के पूछो उसको पूछो कितना श्लोक ही बता दो पीछे बैठेंगे, कितना पूछो सारे गुरु तत्व वैष्णव तत्व गीता रामायण सारे इनको याद है। हम जिस भोग के लिए हम सोचते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा भोग करके पैसा मिल जाएगा ना, सुखी हो जाएंगे, नहीं तो ये लोग विदेश छोड़ कर यहाँ नहीं आते। देखा उसमें सुख नहीं, सुखी होता प्रभु की भजन में भक्ति में, तभी ये लोग महीना महीना तक वहाँ इसी तरह से जाते हैं, पैसा कमाते हैं और आ जाते हैं। जब इनकी वीजा खत्म हो जाती है ना, इतने रो रो करके जाते हैं, बोले भगवान हमें भारत में क्यों जन्म नहीं दिया, हमें क्यों ये नास्तिक देश में, हमें क्यों नरक में क्यों जन्म दिया। ये लोग दुखी दुखी होकर यहाँ जाते हैं और वीजा बनाने के लिए नेपाल जाते हैं और कहीं कहीं यहाँ पर पैसा ज्यादा देकर वीजा बनाते हैं, हमें इंडिया में रहने मिले क्यों। यहाँ राधे राधे कृष्ण कृष्ण राम राम भगवान के नाम है, वहां पर कहीं भी ठाकुर का नाम नहीं, ये बड़े आश्चर्य की चीज है। इसलिए भैया अगर हमें सुख शांति पाना है ना, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करो, उसी में ही शांति सुख है, दुनिया में कहीं शांति सुख नहीं, ठीक है ना। एक बार हाथ उठाकर निकलो, बोले हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जोर कर बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी जमदूतों को विष्णुदूतों ने मार मार कर भगा दिया, और जमदूत दुखी होकर के जब महाराज के पास में गए, उनकी चरण में उनकी जो अस्त्र शस्त्र डाल दिया, बोले आज से आपका कौकरी भौकरी हम नहीं करेंगे। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले पहले तो हम समझते थे जगत का हर्ता करता विधत आप ही हो, अभी हमें पता चला आपका कोई भी नहीं मानने वाले, आपका आदेश से कोई पालन करने वाले नहीं। बोले भैया बात तो क्या बता, बोले बात क्या बताएंगे, एक बहुत बड़ा पापी था जिसका नाम था आजादी, हम उसको लेने के लिए गए थे, पता नहीं कहां से चार हाथों वाले इतने सुंदर देखने में थे, सबके सब चार हाथ वाले थे और हमें इतने बेइज्जत इतने अपमान किया, हम ये अपमान को सह नहीं सकते, ये अस्त्र शस्त्र लो, द्रौपदी को रिजाइट दे रहे। जब महाराज बोले भैया ये बताओ वो मरते समय कुछ बोला था क्या? बोला हाँ, मरने से पहले क्या उसने नारायण नाम एक बार लिया था। जब महाराज जब उन्होंने नारायण नाम को सुना है ना, और नारायण नाम सुनते वहीं पर बेहोश हो गया। बोले भैया बड़े दिनों में प्रभु का नाम सुनने को मिला है। बोले प्रभु का मतलब क्या है, आपका कोई प्रभु है ना क्या? बोले और क्या, मैं तो सेवक हूँ, मेरे प्रभु तो नारायण है, उन्होंने हमें कृपा करके नौकरी दिया है। बोले पहले तो हम सोच रहे थे अभी सब कुछ हो। बोले नहीं, मैं तो प्रभु का सेवक हूँ। बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनको मेरे पास में कभी मत लाया करो। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, हरे कृष्ण। ए बच्चों क्या क्या कर रहे, क्या कर रहे बच्चों, चाहे घूम रहे थे, इसलिए उन्होंने देखो अभी ध्यान देकर सुनो, बड़ी अच्छी बात कहते हैं। तो उन्होंने बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनको मेरे पास में मत लाया करो। बोले भैया हमें पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता है कि नहीं करता, कुछ लक्षण हमें बता दो जिससे पता चली जाए भैया भगवान की भक्ति करने वाले, फिर तो हम कभी नहीं जाएंगे, फिर मार खाना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने बताए बोले ललाटे तिलकम नास्ति कंठ नास्ति त्रिकंठिका हृदय नास्ति गोविंद सनर ब्रह्मराक्षस। बोले जो भगवान की भक्ति करते हैं उनमें तीन लक्षण देखने को मिलेगा। बोले तीन लक्षण क्या है? बोले गले में तुलसी की माला देखने को मिलेगी। बोले दूसरी चीज क्या मिलेगी? बोले ललाट में तिलक देखने को मिलेगा। बोले तीसरा चीज क्या मिलेगा? बोले भगवान की माला।
भगवान की नाम जप करते हुए देखोगे, उनको शरीर में तुम्हें ये तीन लक्षण मिलेगा। देखो जैसे हम विदेश जाना चाहते हैं, अमेरिका हो, लंदन हो, रशिया हो, अगर विदेश जाना चाहते हैं आप बताओ तो हमारे पास में कितना चीज होनी चाहिए? कहते हमारे पास में तीन चीज होनी चाहिए तभी हम विदेश जा सकते हैं। साधारण जैसे अमेरिका, लंदन, फ्रांस कहीं जाओ, तीन चीज चाहिए इसी दुनिया में। बोले पहला चीज क्या? बोले पासपोर्ट। बोले दूसरा चीज? बोले वीजा। बोले तीसरा चीज? बोले टिकट। अगर ये तीन चीज होना इसी दुनिया में आप एक देश से दूसरे देश तक जा सकते हो। कहते उसी तरह अगर हम भगवान को पास में जाना चाहते हैं इसलिए हमारे पास में भी कितना चीज होनी चाहिए? तीन चीज। बोले पहला नंबर बोले पासपोर्ट। बोले भैया क्या पासपोर्ट किया है? बोले पासपोर्ट है गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए, गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए, पासपोर्ट है। देखो हमारे बड़े गुरु जी जब अमेरिका में गए थे प्रचार करने के लिए तब उन्होंने वहां पर बोले भैया गले में तुलसी की माला पहनो, वो तो विदेशी लोग है। बोले भैया गले में ये लकड़ी क्यों पहनेगी? हमारे पास में पहनने के लिए सोने चांदी है, हीरे जवाहरात, ये लकड़ी क्यों हम पहनेंगे? तो उन्होंने कहा देखो ये लकड़ी नहीं, इसमें बहुत सारे उसमें मेडिसिन है, बहुत सारे उसमें मेडिसिन इसके अंदर में। उन्होंने हमारे वेद पुराण से श्लोक को उठा उठा करके उन्होंने बताया देखो इसमें कितने शक्ति। तब अमेरिका में ये अंग्रेजी लोगों ने ये तुलसी वृक्ष को रिसर्च किया। बोले भैया ये हिंदू लोग ये पेड़ पूजा क्यों करते हैं? तुलसी आरती करते हैं ना, तुलसी की परिक्रमा करते हैं, दिया देते हैं, प्रणाम करते हैं। बोले भैया ये भारत के लोग ये वृक्षों को पूजा क्यों करते हैं, पेड़ को पूजा क्यों करते हैं? रिसर्च करके देखा ये वृक्ष में सबसे पृथ्वी में सबसे ज्यादा मेडिसिन मिलती है। आप मेडिसिन शॉप से मेडिसिन ढूंढना, उसका नाम तुलसी पावर। पूछना आपका तुलसी पावर है? देखना इतना बड़ा बोतल मिलेगा, इतना बड़ा पेपर मिलेगा। आप कल मेरे को पढ़कर आगे बोलना, उसमें 200 बीमारी की प्रतिषेध मेडिसिन, दो अगर कोई रोज तुलसी पत्ता खाए ना कभी आपको टीबी कैंसर कभी जिंदगी में नहीं होगा। इसलिए आप देखना ठाकुर जी को जो भोग लगाते हैं हम तुलसी पत्ता से, कभी साइंस ही है क्योंकि जितने गंदी बैक्टीरिया तुलसी पत्ता से खत्म हो जाती है और ठाकुर जी को भोग लग जाती है, हैं? इसलिए आप पातंजलि में जाना उनको बोलना तुलसी जूस इतना बड़ा बोतल आपको देगा, पेट साफ कैसे होगा, कौन सा बीमारी सही होगा, देखो ना उसमें कितने सारे चीज लिखा हुआ। इसलिए ये तुलसी साधारण वृक्ष नहीं, ये तुलसी में दो सह तरह का मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में। अगर ये गले में अगर हम तुलसी कंठी धारण करेंगे, जब हम स्नान करेंगे इसका पानी सारा शरीर में जाएगा, जितने सारी बीमारी अपने आप शरीर से हमारी निकल जाएगी। ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण है आप लोग तो हिंदू है, हैं? आप देखना सालग्राम के साथ में तुलसी की शादी होती है, देखे हो कि नहीं? बोले क्यों? तुलसी लक्ष्मी, तुलसी लक्ष्मी। अगर गले में कंठी हो तो कौन आगे? माँ लक्ष्मी की निवास होगी। और जब भगवान ये जगत छोड़ कर गए अपनी आप को कहाँ रख कर गए? बोले तुलसी विद्या में। हम कहते ना भैया वृंदावन चलो, बोले क्यों? बोले बांके बिहारी। बोले वृंदावन में क्यों बांके बिहारी? बोले वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वना मतलब जहाँ तुलसी की बन वहीं पर से बांके बिहारी। इसलिए गले में अगर किसका कंठी है ना लक्ष्मी नारायण की निवास होगी गले में, हैं? अभी देखो अभी प्रश्न है हम इसको कंठ में क्यों धारण करते हैं? कितना बड़ा साइंस है, ये प्रॉपर साइंस है। हम इसको गले में क्यों यहाँ क्यों धारण करते हैं? बोले शरीर का जो सबसे कोमल और ये कंठ है, किसी व्यक्ति को मारना हो ज्यादा करने का जरूरत नहीं, केवल उसको गोद में लग बैठा, इसलिए उसको केवल गला दबा दो खत्म हो जाएगा। इसलिए अंदर में जब कोई गंदी चीज प्रवेश करती है वो गले से प्रवेश करती है। इसलिए बच्चों को ताबीज कहाँ पहनाते हैं? कहाँ पहनाते ताबीज? गले में पहनाते हैं, क्योंकि अंदर में उसको कोई गंदी चीज को अंदर में प्रवेश करने दे। अगर गले में अगर ये तुलसी कंठी हो गले में, इसमें सारे मेडिसिन लक्ष्मी नारायण की निवास होगी। अगर कोई गंदी चीज आएगा ना
ये तुलसी कभी अंदर में प्रवेश करने नहीं देगा, जितने भूत पिशाच डाकी विशाखी उल्टा पुलटा हुआ अब तुलसी गल में पहनो आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए हम गले में तुलसी की पट्टी पहनते हैं, ठीक है ना। इसलिए जब महाराज दूतों को और एक बात बताए, बोले देखो हमें पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता, बोले दो तरह के कुत्ते होते हैं, कितने तरह के, कितने तरह के, कहते एक पालतू कुत्ता और एक फालतू कुत्ता। कहते जो पालतू कुत्ते हैं देखना आपको गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता किसी ये घर की कुत्ते हैं, लेकिन जो फालतू कुत्ते बिन्ने पट्टे के रोड रोड में घूमते हैं। अब देखना पालतू को तो कोई मारते नहीं और फालतू को कोई छोड़ते नहीं, इसलिए अगर हमारे गले में तुलसी कट्टी हम किसके पालतू हो गए, बोलो किसके पालतू हो गए, भगवान की ठाकुर जी की पालतू हो गए। इसलिए जब महाराज स्वयं कहते हैं बोले खबरदार उनको तरफ में झांक कर भी नहीं देखना, अगर देखोगे कट्टी प्रणाम कर लेना ये ठाकुर जी के। अगर कोई गलती करते हैं इसमें मैं विचार नहीं कर सकता, इसका विचार करने वाला ठाकुर है, ठाकुर अच्छा बुरा विचार करेगा, ठीक है ना। पहला नंबर क्या हो गया, पासपोर्ट होनी चाहिए। दूसरा नंबर क्या होनी चाहिए, वीजा। बोले वीजा क्या है, बोले जो तिलक लगाते हैं ना हम, जो ये तिलक धारण करती है हमारी वीजा है। देखो आप लोग तो हिंदू है, देखना जैसे कोई व्यक्ति अच्छे काम बिजनेस में जा रहे हैं हम क्या करते हैं, तिलक लगा कर बेचते हैं। बोले क्यों, कारण है कि आप तुम्हारी काम बन जाए, ये शुभ लक्षण है। घर में जैसे ब्राह्मण पूजा कराने आएगा सबसे पहले तिलक लगवाएगा फिर पूजा कराता है, बगैर तिलक की पूजा नहीं कराते। बोले क्यों, सब पूजा तुम्हारी निष्फल हो जाएगा, इसलिए तिलक की बड़ी महत्व। आप कृष्ण को देखो तिलक है कि नहीं, राम को देखो तिलक, नारायण को देखो तिलक, हनुमान जी को देखो तिलक, बगैर तिलक के ठाकुर भी नहीं रहते हैं। इसलिए कोई कोई कहते हैं ना अरे दुनिया को दिखाने का क्या जरूरत है, गले में कंठी माला तिलक, अपना अंदर में भक्ति रखो ना, हम दुनिया को क्यों दिखाएंगे, नहीं दिखाने का जरूरत है। जैसे आप लोग के अंदर में कोई कोई सधवा माता है, हमें कैसे पता चलता सधवा, सिंदूर लगाए, मांग भर, मंगल सूत्र है, नाक में बेसर है, हाथ में शंखा है, कपड़ा भी सधवा के पहने कि नहीं, जिससे पता चलता ये सधवा है। बोले भैया पति कब से बने, शादी से पहले कोई मतलब था तुम्हारे पति से, बीच में झगड़ा हो गया अलग हो गए तो मरने के बाद तो अलग होना ही ना। इसलिए कहते ना ऐसे बर को क्या बरे, जो जन्मे और मर जाए, बर बरी और गोपाल की ससुरल अमर हो जाए, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की। हाँ इसलिए अगर कंठी में गला तिलक माला पहन लिया ना, इसलिए किसकी किसकी दुल्हनी बन गई, ठाकुर जी की दुल्हनी बन गई। इसलिए अगर ये तिलक लगा करके ठाकुर के पास में गए, गले में कंठी अगर ये माला है ना, ठाकुर कहते ये मेरी दुल्हनी है, ये मेरी दुल्हनी है, ठाकुर अपने आप हमें स्वीकार कर लेते हैं। अगर गले में कंठी माला तिलक में जितने बता दो मैं तेरा तू मेरा, बोले तेरे साथ में मेरे कोई संबंध नहीं। जगत का पति के लिए तो इतना हमने मांग भर दी, लेकिन जो असली पति के लिए हमने क्या धारण किया, उसके लिए गले में कंठी तिलक माला होनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अभी भगवान बामन आएंगे, बामन बनाए कि नहीं, बामन भगवान कहाँ है, बामन भगवान उसको पीछे ले जाओ, तुम्हें छतर धारण करा दो, और जो पीछे एक बच्चा खड़ा हुआ ना उसको भी साथ में ले आना, और जो बच्चा खड़ा हुआ ठीक है पीछे से आना, पीछे तुम चले जाओ और छतरी कमंडल पकड़ लो, मैं दो मिनट बाद में गुलाब का फिर आना, ठीक है। देखो अभी भगवान बामन आएंगे और भगवान कृष्ण भी आएंगे, बोले श्री बामन भगवान की, बोले श्री बलि महाराज की जय, जय श्री राम जय जय श्री राम। हरे कृष्ण। हाँ अभी ध्यान देकर सुनो, अभी तो भगवान आने वाले हैं, देखो आज तो कृष्ण, आज तो कृष्ण जन्म लेने वाले हैं। आप बताओ आज कौन सा रंग के साड़ी पहन करके आए, पीली। कल राधा रानी जन्म लेगी, इसलिए कल सबके सब गुलाबी रंग की साड़ी पहन के, ठीक है ना। बोले क्यों,
बोले गुलाबी रंग क्यों पड़े, देखो इसका रहस्य समझो। राधा रानी जब अपना लहंगा नील रंग के पहनते हैं, ऊपर का जो चुंदरी का रंग वो गुलाबी रंग, बोले गुलाबी रंग क्यों, होली खेलते हैं ना आज ब्रज में होली के रसिया, देखना गुलाल का जो रंग है वो कौन सा रंग है, गुलाबी, बोले गुलाबी रंग क्यों, बोले गुलाबी मतलब है राधा रानी कृष्ण को, कृष्ण राधा रानी को गुलाबी रंग नहीं, ये अनुराग का प्रतीक, ये गुलाब रंग अनुराग का प्रतीक, बोले दोनों दोनों को अपना अनुराग के रंग में दोनों दोनों को भिगा देते हैं। देखा मेरे तरफ में देखो, हम लोग जो कपड़ा पहने ना ये कौन सा गुलाबी रंग है, बोले क्यों, बोले राधा रानी का प्रेम का रंग, ये गुलाब रंग मतलब राधा जी के प्रेम का रंग, इसलिए मतलब अपना शरीर को राधा रानी के अनुराग रंग से हमने ढक कर रखे, इसलिए कल सबके साथ कौन सा रंग की साड़ी पहनो, गुलाबी, गुलाबी मतलब है राधा जी की प्रेम के द्वारा अपना शरीर को हमने ढक करके लाए, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। देखो कभी ये देवता दैत्य में प्राय करके लड़ाई होती, अगर लड़ाई हो देवता मरे तो मर जाए, दैत्य मरे इनका गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र से उनको जिंदा कर दिया। एक दिन देवता लोग गए ठाकुर जी के पास में, बोले प्रभु हम अमर कैसे बनेंगे, बोले समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, अगर अमृत पियोगे तो अमर बन जाओगे, लेकिन अकेले नहीं कर सकते, दैत्यों को साथ मिलो, मंदरा तल पर्वत को रई बनाओ, बासु की नाक को रजु बनाओ, जब मंथन वही मंथन से पहले हलाहल बीज निकला, बोले भैया बीज को कौन पान करेगा, श्री भोले बाबा को जाकर के प्रार्थना की, शंकर जी टन के टन चार उन्होंने पान कर लिया, पान करके उन्होंने अपना कंठ में रखा तो उनका कंठ हो गया नील, इसलिए शंकर जी का एक नाम पड़ गया नीलकंठ, बोले श्री नीलकंठ महादेव। देखो शंकर जी एक सुंदर उपदेश दिया, मेरे तरफ में देखो उधर मत देखो, भगवान को जब आएंगे ठाकुर को दर्शन करने, ठीक है अभी मेरे को देखो, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया, क्यों, अपना गले में उन्होंने बीज को अपना गले में धारण किया, देखो उन्होंने सिखा देते हैं दुनिया को, कोई गंदी चीज हो ना मुंह में मत रखा करो और अपना हृदय में मत रखा करो, क्यों, बोले तुम्हारी मुंह हृदय खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, रखना तो कहां, हाँ इसलिए रखना तो कहां पर रखो, अपना कंठ में धारण कर लो, अपना कंठ में धारण करो, देखो गंदे चीजें अगर मुंह में रखेंगे तो इसमें क्या क्या गड़बड़ी है, इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे हर चीज में हड्डी है, अंगुल में हड्डी सीधा हो जाता है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाता है, कमर में हड्डी बैठे हैं, प्यार में हड्डी चलते हो, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं, किसमें, इसलिए ना हड्डी नहीं ना, हर से लपर लपर कुछ ना बोलते रहे, और जीवा कुछ ना कुछ बोलते रहेगा, छोड़ेगा नहीं सब सुनाए, कुछ ना कुछ बोलेगा है, इसलिए गुरु जी कहते थे ये महाभारत का कारण किया, बोले जीवा ये द्रौपदी के, बोले इतनी सी बात बता दी, अंधा का बेटा अंधा होता है, सारे महाभारत सब खत्म, बोले भैया रामायण क्यों हुई, बोले जीवा का कारण से, क्योंकि सीता जी ने जिस समय मारीच ने हिरण बन करके आए, सीता बोले पकड़ करके ला रहे हो राम लक्ष्मण को, बोले भाभी को छोड़ कर जाना नहीं, उधर आक्रस था, जब मारे बाण उसने जोर से बोले भैया लक्ष्मण, सीता बोले तुमने सुने देवर, राम को पर कोई विपत्ति आई क्या रक्षा करने के लिए, बोले राम को पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती है, मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ, सीता इतनी सी बात बताई, अभी मैं समझ रही हूँ तू हमारे साथ में क्यों आया था, तू ये सोच रहे हो राम मरने पर तू मेरे से शादी कर लोगे, लक्ष्मण कहाँ सहन कर सकता है, इतने में लक्ष्मण ने अपना लक्ष्मण रेखा को काट कर चले गए, देखो माता सीता ने दो गलती की, ध्यान देकर सुना, शिक्षा देते माताओं को कभी दो गलती नहीं करनी चाहिए, उसने पहला गलती तो सीता ने ये की, उन्होंने लक्ष्मण रेखा को उन्होंने पार किया, दूसरा गलती क्या की, अपना जीवा को उसने चलाया, बस रावण आया और उठा करके लेकर चला गया, है फिर सारे रामायण हो गई,
इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, आप देखना घर में लड़ाई क्यों, इसे जिहा का कारण है। भाई भाई में, बहू बहू में घर में कोई बात नहीं हुई तो भले ये जिहा थोड़ा सीख हो गया, कोई एक मुंह से कोई एक बोली निकल गया, देखना उसने मेरे को ऐसे बताया ना, हाँ मेरे को क्या समझते, देखना भाई भाई बहू बहू में घर में लड़ाई, ठीक है ना। इसलिए शिक्षा देते कभी भी जिहा को मत चलाया करो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते थे दिन भर बोलने की इच्छा करता है ना, एक काम करो महाप्रभु ने माला ले लो, ये माला को ले लो, माला लेकर के दिन रात क्या करो ठाकुर जी नाम जप करो, ठाकुर जी की नाम जप करो, एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे। कभी भी ये माला झड़ी नहीं छोड़ता, हर समय माला को पास में रखते हैं, समय को एक एक जो श्वास है तभी ये श्वास का सार्थकता जब ठाकुर का नाम निकले। देखो यहाँ पर माता जी बैठी है, खड़े हो जाओ, हमारे पीछे जो बैठी है, हाँ इनको देखो, देखो इनका हाथ में देखो ये माला लेकर भगवान भजन कर रहे हैं, कभी यहाँ पर एक लड़की को खड़े हो जाओ, देखो ये इसको देखो, खड़े हो जाओ इनको दर्शन कर, घूमकर कर इधर इधर इस तरफ में घूमकर, देखो इसको पास में माला झोली है, हैं माला झोली हमारे, देखो ये इसको देखो ये माला लेकर बैठ हुई, देखो हमारे संप्रदाय में जब ये माता जी को माला, हमारे संप्रदाय में कभी माला नहीं किया करते थे, कभी माला छोड़ते थे, क्यों ये एक एक जो श्वास जा रही ना, जैसे कोई अरब खरबपति डॉक्टर ने कहा कि इसका अंतिम श्वास है, कोई बोले तुम्हें चार कोहिनूर को हीरे देता हूँ एक श्वास को वापस ले आओ, कोई ला सकते हैं, ये मानव शरीर की कीमती शरीर है, इसलिए तभी ये श्वास की सार्थकता जब श्वास श्वास में ठाकुर जी की नाम जप करें, एक बार हाथ उठाकर बोला हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अभी समुद्र मंथन से जब अमृत निकला फिर देवता दैत्य में लड़ाई शुरू हो गई, इतने में दैत्य लोग जोर जबरदस्त छीन लिए, इतने में भगवान महीन अवतार लिए, बोले देखो लड़ाई मत करो तुम दोनों से मैं बांध देता हूँ, दो लाइन करके बैठ जाओ, बोले पहले देवता को तो पानी पानी पिला देती है, दैत्यों को बोले फिर तो जो गाढ़ा गाढ़ा लग जाएगा ना हम दोनों एकांत में बैठकर पान करेंगे, लेकिन वो मोहिनी इतनी सुंदरी भगवान लिए ना इतनी सुंदरी थी, दैत्य ने कभी जिंदगी में इतनी सुंदर स्त्री देखे, बोले सुंदरी भले ही हमें अमृत नहीं मिले अगर तू मिल गए ना हमें सब कुछ मिल गया है। इतने में ठाकुर जी देवताओं को पिलाते पिलाते जब पिला रहे थे एक स्वरभान नाम का दैत्य था, वो चंद्र सूर्य को बीच में आकर बैठ गया, उसने भी अमृत पान कर ली। चंद्र सूर्य बोले प्रभु ये दैत्य देवता नहीं, ये दैत्य धोखे के धोखे में पी लिया, भगवान चक्र को बुलाया उसको गले को काट दिया, एक राहु और एक केतु हो गया, इसलिए बीच बीच में चंद्र सूर्य को ये ग्रास करते हैं। अभी उन्होंने अमृत बांटते बांटते जब समाप्त हो गया और कलश को फेंके और ठाकुर जी अंदर गया है तो देवता लोग अमृत बीच के अमर हो गए, जैसे केले का पेड़ को काटते हैं ना ऐसे दैत्य को तो एक तरफ से काटना शुरू होती है। इतने में ब्रह्मा जी ने देखा दैत्य वंश समाप्त हो जाएगा, ब्रह्मा जी आए और उनको युद्ध को रोक लिए, फिर शुक्राचार्य सचिव जी मंत्र से उन्होंने फिर उन्होंने उनको जिंदा कर दिए, फिर बलि महाराज ने उन्हें एक यज्ञ किया, विश्वजीत महायज्ञ किया, उससे एक रथ निकला जिसमें बैठ करके युद्ध कर उसको कोई परास्त नहीं कर सकते, फिर बलि महाराज स्वर्ग में आक्रमण किए सारे देवता को मार मार कर भगाते, फिर उन्होंने इंद्रप्रस्थ को दखल कर लिया। इतने में देवता का माता अदिति ने कश्यप जी को बोले मेरे बच्चों को स्वर्ग कैसे मिलेगा, बोले 12 दिन का केवल उपाय व्रत रखो भगवान संतुष्ट होकर के जन्म लेंगे फिर स्वर्ग राज्य को वापस देंगे, फिर भगवान वामन देव जन्म लेते हैं, बोले श्री वामन भगवान की। अभी श्री
बृहस्पति ने जनेऊ संस्कार करवाए। नियम है जननायक संस्कार के बाद में गुरु जी को दक्षिणा देना पड़ता है, क्योंकि बगैर दक्षिणा के फिर तो गुरु ग्रहण करने का फल नहीं मिलता जनेऊ संस्कार की। बोले क्या दक्षिणा चाहिए? बोले देखो आप चले जाओ नर्मदा नदी के पास में, बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के बाद में जो जो कुछ मांगे उनको वरदान देते हैं, वहां से स्वर्ग राज्य को मांग करके लाओ। जब वामन भगवान बलि महाराज के दरबार में पहुंचे, बलि महाराज देख करके इतने प्रसन्न हो गए, बोले हे भगवान ये कोई चंद्र ना कोई चतुष्ट ना स्वयं अग्नि, क्या सुंदर है। उन्होंने ठाकुर जी को बैठा करके चरणा की अभिषेक की, चरणामृत लिए और चरणामृत को पूरा उन्होंने देश में छिड़काव करवाए। बोले आप कोई वर मांगो, बोले पहले संकल्प करो, संकल्प के बगैर में कोई चीज मांगता नहीं। जब वो संकल्प करने के लिए गए, इतने में श्री शुक्राचार्य यज्ञ कर रहे थे, किसने बोल दिया तू तो सुहास सुहास लगे हुए हो, तेरे चले तो लुटे जा रहे हैं। इतने में शुक्राचार्य भागते भागते आए, बोले बलि सावधान। बोले भैया क्या बात है? बोले जानते हो ये कौन है? बोले कौन? बोले पहले जो मोहिनी बन करके आए थे ना, और अमृत से वंचित कर दिया वो मोहिनी, अब ये मोहन बन करके आया। ये तीन पग जमीन नहीं, ये त्रिभुवन राज्य को उसने छीन लेगा। भैया ऐसे दान को दान नहीं कहते हैं। बलि महाराज बोले भैया मेरे दोनों हाथ में मेरे लड्डू है, एक तो भगवान है फिर दूसरे में दान लेने के लिए आए, ऐसे सौभाग्य किसको होगा? विश्व ब्रह्मांड जिनको पास में हाथ पसारता है वो अभी मेरे पास में हाथ पसारने के लिए आए, ठाकुर को दान देने का सौभाग्य कभी होगा? एक दिन तो दुनिया जाएगा, दुनिया तो होने की, और स्वयं मेरे पास में दान मांगने के लिए आए। भैया मैं तो बड़े सौभाग्यवान हूँ, मैं तो जरूर दान देगा। बोले तो बोले मैं गुरु है ना, तो गुरु जी का आदेश पालन नहीं करोगे? बोले गुरु जी का आदेश पालन नहीं करोगे ना तुम श्री भ्रष्ट हो जाओगे। बोले अयम अस्तु जो कुछ होना हो जाए, लेकिन मैं तो जरूर दान दूंगा। देखो नियम होता है जो गुरु जी का जो वाक्य है कभी अवमानना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु जी के वाक्यों को अवमानना करने से नरक जाना पड़ता है, श्री भ्रष्ट हो जाना पड़ता है। लेकिन इन्होंने गुरु जी का आदेश को पालन नहीं किया। नियम है गुरु जी को त्याग नहीं देनी चाहिए, अपराध लगता है, लेकिन उन्होंने गुरु जी को त्याग दे दिया। बोले क्यों त्याग दे दिया? यहाँ पर शिक्षा दिया, शास्त्र में कुछ विधि बताया, अगर गुरु जी के अंदर में अगर ये गुण नहीं हो त्याग देने में कोई दोष नहीं। बोले भैया क्या गुण होनी चाहिए? बोले एक तो गुरु जी असत संग नहीं होनी चाहिए, असत संग को मार्ग में नहीं जानी चाहिए, दूसरे चीज जो भक्ति पथ से अलग नहीं होनी चाहिए, तीसरे चीज है वो क्या कर रहे थे? बोले भगवान को नहीं देना, शास्त्र बताया था ना, बोले अखंड मंडलाकारम व्याप्त जैन चराचरम तत्पद दर्शितम जैन तस्मै श्री गुरुदेव। गुरु उसे कहते हैं जो कण कण में जो व्याप्त जो भगवान है उनके चरण को जो दर्शन करा दे। बोले स्वयं भगवान पास में आए, ठाकुर जी स्वयं मेरे पास में आए दान मांगने के लिए, तुम कैसे गुरु हो? तो भगवान को भी मत दिया कर, ये गुरु थोड़ी है। गुरु का काम होता है भगवान के चरण को दर्शन कराओ, और भगवान आए बोले दान मत दो, गुरु जी को त्याग दिया। इसलिए पद्म पुराण कहता है अवैष्णव उपदेश मंत्रण निरवैष्णव। बोले गुरु कहाँ से होने चाहिए? बोले वैष्णव परंपरा में आनी चाहिए, अगर गुरु जी वैष्णव परंपरा में नहीं हो तो शास्त्र बताया पुनः विधि नाम सामग्र विधि विधान को साथ वैष्णव गुरु करनी चाहिए, शास्त्र का ही विधान है। इसलिए गुरु जी को त्याग किए, इतने में उन्होंने एक पद में उन्होंने भूर भूग मोह जन तप सत्यलोक नाम दिया। जब उनकी चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी अभिषेक करके चरणामृत कमंडल में रखे, वही श्रीपति पावन गंगा होंगे। बोले श्री गंगा माता की, बोले गंगा मैया की जय जय। बोले गंगा मैया की, बोले श्री गंगा देवी की। अभी उन्होंने दूसरे चरण अतल बीतल तला तला पाताल तक ले लिया। बोले बताओ तीसरे चरण में कहाँ रखूं? ठीक है, हंग रहा था
ऐसे दान दूंगा कहीं तुम्हें झोली पसारने का जरूरत नहीं। बताओ तीसरे चरण में कहा रखू उनको? नाग फांस बंधने में बांध दिया, लेकिन उनकी जो पत्नी है ना बड़ी भक्तिमती पत्नी, बड़ी भक्तिमती पत्नी मतलब क्या है? पति को जो कभी पतन होने नहीं दे, पति को हर समय धर्म का मार्ग पर रखे, उनको भक्ति पद से कभी चिंता नहीं करो, वो पत्नी है। उसने इतने में उसने आकर के बोले, बोले भगवान को तुमने क्या किया? कुछ दिया ही नहीं, दुनिया भगवान की, भगवान दुनिया को ले लिया। जब तक तुम खुद को खुद नहीं देते हो, थोड़ी ठाकुर जी को देना होता है। उसको बोलना अपना सर पर चरण रखे। बोले भैया तो सचमुच से पत्नी है, ऐसे नहीं पति को जब संपत्ति में रहे और बड़ी विपत्ति पर दुखों के भाग रहे, ये पत्नी की धर्म नहीं। हर समय पति को ऊंचा करके रखो, उसकी धर्म में हर समय मदद करनी चाहिए। कौन सा धर्म? बोले प्रभु की प्रेम के धर्म, प्रभु की भक्ति धर्म में हर समय पति को मदद करनी चाहिए। इसलिए बोले तू सचमुच से पत्नी हो। बोले प्रभु ये बताओ, दान बड़ा ना दानी बड़ा? बोले दानी बड़ा। बोले आप तो केवल दानी लिए हो, अभी तो दानी स्वयं बाकी। बताओ आपका चरण कहाँ पर? बोले रखे कहाँ पर? बोले सर को पर रखे। फिर भगवान तीसरे चरण उन्होंने श्री बलि महाराज का सर पर रखे। सारे देवता देख देख कर हैरान हो रहे थे। बोले जिस चरण को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर नारद तपस्या करते हैं, देखो आज वो दुर्लभ चरण कहाँ पर? श्री बलि महाराज के सर पर रखे। सारे देवता लोग जय जयकार कर रहे थे। बोले श्री वामन भगवान की, बोले श्री बलि महाराज की जय जय श्री राधे। ले आओ बच्चे को, ले आओ यहाँ, वामन भगवान को ले आओ। अभी भगवान ने बोले वर मांगो। बोले प्रभु आपको बाहर जाते ही दर्शन हो और अंदर आते ही दर्शन हो। फिर भगवान उनकी दरबार पर बैठ करके, उनकी दरबार भगवान प्रेम में दरबार बन के भगवान, बोले श्री वामन भगवान की बलि महाराज की जय जय श्री राधे। देखो आज भगवान आपको पास में भिक्षा मांगने जाएंगे, और भगवान को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है। भगवान को भिक्षा देने का बड़ा पुण्य है, क्योंकि हमें जिंदगी भर ठाकुर जी भिक्षा दिए। जैसे सुदामा ने दो मुठ्ठी चिड़वा दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया। इसलिए भगवान को दान देने का बड़ा पुण्य है। अभी भगवान आपके पास में भिक्षा मांगने के लिए जाएंगे, आप लोग भगवान को थोड़ा थोड़ा भगवान को भिक्षा देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो वामन भगवान की जय जय श्री राधे। उत्तर द्वार खड़ा भगवान Thank you.
सारा दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई, घर में लक्ष्मी, लेकिन एक बेटा आए तो कोई नहीं कहता है नारायण आया, कोई बोलता है नहीं, बेटी आए तो क्या कहते घर में लक्ष्मी। इसलिए देखना जब बेटी की शादी होना लक्ष्मी रूपा मान करके बेटी की दान दी जाती है, और कन्यादान को पृथ्वी में सबसे बड़ा दान कन्यादान मानी है, और कन्या वालों का हाथ ऊपर रहता है और बेटे वालों का हाथ नीचे रहता है। इसलिए देखना कन्या जन्म होते ही घर में दान दक्षिणा शुरू हो जाती है, दान दक्षिणा शुरू हो जाती है। अच्छा हुआ घर में माँ लक्ष्मी आई, घर में माँ। लेकिन ये दुनिया अभी ऐसे उल्टा हो गया, अगर बेटा आए तो खुश हो जाता है, बेटी आए तो दुखी हो जाती है, और नाना नानी की तो अवस्था खराब हो जाती है। अगर बेटी नहीं बेटा है, देखो माता ही नहीं बेटी है तब तक दुनिया है, अगर माता ही नहीं होती दुनिया होता बताओ, नहीं होता। इसलिए बेटा आए और बेटी आए दोनों को बराबर रूप में इनकी पालन करनी चाहिए। अभी कहते ना बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहती है ना, इसलिए घर में जो आए उसको आदर पूर्वक सम्मान देनी चाहिए। देखो सारा दुनिया में हम जाते हैं, अक्सर करके हम दुनिया में देखते हैं जब घर में बहू आ जाए ना घर में कलेश शुरू हो जाता है, और कभी कभी इतने कलेश हो जाता है लास्ट में पिता माता जाकर बेटी को पास में आश्रय लेते हैं। हमने बहुत सारी जगह पर देखी, लेकिन बेटी ऐसे कभी हमने नहीं देखा, बेटी कभी अनाथ रखी, पिता माता को बेटी पास में रखती है। इसलिए ये सोचने नहीं चाहिए बेटा होना चाहिए बेटा होना चाहिए, नहीं, जो आए उसका आदर से पालन करो, ठाकुर जी की संतान मानकर तुमको पालना करनी चाहिए। वशिष्ठ समझा, देखो घर में बेटी आई अच्छी लक्ष्मी आई, बोले नहीं हमें बेटा चाहिए, क्योंकि राज सिंहासन पर संभालेगा। देखो पहले ऋषियों की कितने मंत्र शक्ति थी, उन्होंने ऐसे मंत्र पढ़े जो बेटी थी ना उनको बेटा बना दिया, जिसका नाम हो गया सुदुम्न नाम हुआ। जब सुदुम्न ये बड़ा हुआ एक दिन अपना सैन्य सामंत को लेकर जंगल में भ्रमण करने गया था, लेकिन वो जो जंगल था शंकर जी का जंगल था, लेकिन उसको प्रवेश करते ही जितने बेटा सब बेटी राजा राजकुमारी और जितना घोड़ा सब घोड़ी हो गए, सबके सब देखा भैया क्या हो गया, अब बेटा से सब बेटी कैसे हो गए, इतने शर्मिंदा में पड़ गए, राज्य वापस नहीं आ पा रहे थे, हमें मुंह कैसे दिखाएंगे, ऐसे कैसे हो गया। पर वो जंगल था श्री शंकर जी के, एक दिन शंकर जी पार्वती से मिल रहे थे, चतुसर शंकर जी को दर्शन करने के लिए गए, इतने में जिस समय वो आपस में मिल रहे थे इतने में चतुसन वहां पर पहुंच गए। इसको देख करके मैया पार्वती इतने शर्मिंदा हो गई, शंकर जी को बोली कोई घर गृहस्थी है, जिसकी इच्छा हो मुंह उठा करके आ जाते वही घर गृहस्थी। शंकर जी ने अभिशाप दिया, आज से अगर ये जंगल में कोई पुरुष प्रवेश करेगा ना वो पुरुष नहीं रहेगा वो स्त्री बन जाएगा, इनको पता ही नहीं था तो स्त्री बन गए। फिर राजा के पास में खबर आएगा, फिर राजा वशिष्ठ के पास में गए, फिर वशिष्ठ शंकर जी के पास में गए, हमें इनको बेटा बना दो। शंकर जी कहा देखो ऐसे नहीं हो सकता, एक काम हो सकता तुम्हारी जो बेटा एक महीना बेटा रहेगा और एक महीना बेटी, कितना कर सकता, बोले इतना कर दो कोई बात नहीं। अभी जब ये सुदुम्न रहा, सुदुम्न की जब शादी हुई उनसे जो बेटा हुआ उसी से चंद्रवंश आया, और चंद्रवंश में भगवान राम स्वयं आए, बोले श्री सियावर रामचंद्र की। लेकिन जब वो बेटी थी वो बेटी की भूत को साथ में शादी हुई, फिर उससे जो संतान हुई जो वंश परंपरा आई जिसमें चंद्रवंश चला, और चंद्रवंश में हमारा भगवान श्री कन्हैया श्री बांके बिहारी आए, बोले श्री बांके बिहारी लाल की। देखो भगवान की ऐसे विचित्र माया है, जो एक व्यक्ति से ही चंद्रवंश और सूर्य वंश आए, और जो दो वंश में हमारा दो ठाकुर आए, एक कन्हैया है और भगवान राम, हमारे दो ठाकुर जी एक वंश में एक व्यक्ति से ही दो भगवान आए हैं। अभी हम भगवान कृष्ण की कथा सुनेंगे। यहाँ पर कहते कृष्ण कथा बड़ा मीठा है, कृष्ण कथा बड़ा मधुर कृष्ण कथा, इसलिए बल्लभाचार्य जी एक श्लोक लिखते हैं, बोले अधरंग मधुर बदनंग मधुर आसितंग मधुर समाधंग मधुर अधरंग मधुर बदनंग मधुर
उपनिषद कहता है रस वैसा कृष्ण कौन है पूरा पूरा रसी रस भगवान रसगुल्ला जिधर खाओ मिठाई मीठा है। इसलिए कहते भगवान की तीन लोगों का भगवान की कथा कल्याण करता है और तीन गंगा बोले एक आकाश में गंगा जिसका नाम मंदाकिनी ये स्वर्ग लोगों का कल्याण करती है, एक मरते जगत में गंगा जिसका नाम भागीरथी ये पृथ्वी को उद्धार करती है और एक पाताल में गंगा जिसको भोगवती ये पाताल लोगों को कल्याण करती है। उसी तरह भगवान की कथा भी तीन लोग कल्याण करता बोले किसको किसको जो बोलते हैं जो सुनते हैं और जो प्रश्न करते हैं ये तीनों को कृष्ण कथा इनको तीनों को कल्याण करती है। बोले कृष्ण कथा इतना मीठा इतना कृष्ण कथा मधुर है बोले आत्मा में जो रमण करने वाले बड़े बड़े ज्ञानी योगियों को भी कृष्ण कथा आकर्षण करता है। अगर कोई भवसागर से पार होना चाहते हैं आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं केवल भगवान की कथा सुना कथा सुनते सुनते संसार से पार हो जाओगे। सबसे मीठी दवा भगवान की कथा केवल सुन लो। श्री कंस उग्रसेन महाराज के बेटा कंस बड़ा अत्याचारी बड़ा दुष्ट बोले भैया उग्रसेन तो भगवान कृष्ण के भक्त है लेकिन इसका बेटा दुष्ट कैसे हो गया। हाँ देखो इसकी कथा सुनो। कहते उग्रसेन महाराज की जब शादी हुई पत्नी का नाम थी पद्मा बड़ी सुंदर थी। जैसे शादी होने का बाद बेटी फैल जाती है अपना पीहर जाती है एक दिन अपना पीहर में बड़ी सुंदर श्रृंगार करके बड़ी सुंदर की बगीचा थी उसमें घूम रही थी। इतने में एक दैत्य था वो दैत्य जा रहा था आकाश में भ्रम जा रहा था। इतने में पद्मा को देखा देख करके बोले बड़ी सुंदर राजकुमारी। उसने क्या किया उसने झट उसने उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और उसको पास में चला गया। उसको पत्नी तो अके बोके चके हो गई बोले तुम कहाँ से आ गए बोले मैं रास्ता में जा रहा था तेरे को देख करके मिलने के लिए आ गई और वो बगीचा में उसको साथ में मिले मिल करके जब वो चले गए हर पत्नियां देखना पति की हाव भाव सबको पता है मेरे पति कैसे लेकिन वो जब चला गया उसको कैसे लगा भैया इतना मेरे पति नहीं लग रहा ये तो हठात कहाँ से आ गया। इतने में उसको गर्भ में बच्चा आ गया। इतने में ये बात उसने किसी को नहीं बताई और उसने आ गई अपना पीहर में आ गया तो वो दैत्य के गर्भ से ये कंस जन्म ग्रहण किया। इसने इतना दुष्ट बना अपना पिताजी को जेल में डाल दिया उसने बोले मेरे देश में कोई कृष्ण नाम नहीं कर सकते यज्ञ नहीं कर सकते कोई मेरे देश में भगवान की भक्ति कोई नहीं कर सकते सारे संतों को जेल में डाल दिया। अभी संत लोग जेल में बैठ करके ठाकुर जी को पुकार रहे हैं प्रभु कब तुम आओगे हे तार पालनहार हे तारनहार कब हमको उद्धार करोगे। इतने में कंस अपना बहन देवत को वसुदेव को साथ में शादी की और जब विदाई दे रहा था आकाशवाणी हुई बोले रे मुड़ा कंस जिस देवत को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो इसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बोले भैया ये देवावाणी है ये कभी झूठी नहीं होगी इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसने चोटी को पकड़ा जो मारने जा रहा था वसुदेव ने कहा देखो शादी का समय बहनी को मारेगा दुनिया तुम्हारी निंदा करेगा ऐसे जीवन रहना नहीं रहना बराबर है। बोले आकाशवाणी नहीं सुने बोले मैंने भी सुना बोले तुम मरोगे कि नहीं बताओ बोले हाँ बोले कौन मरता बोले शरीर आत्मा तो मरती नहीं आत्मा नित्य शाश्वत अजर अमर है आत्मा तो मरेगी नहीं ये शरीर मरने के लिए दुखी बोले मरूंगा जब मरूंगा अभी क्यों मरूं
तो वसुदेव महाराज बोले देखो तेरे को पता मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ बोले मैं कसम खाता हूँ मेरे जितने बच्चे तेरे को सब देखते तो बच्चों को मारना लेकिन देवकी को मत मार ठाकुर की इच्छा है। अभी उन्होंने पहला जब संतान आए उन्होंने अपना बेटे को उन्होंने कंस को दे दिया उसका हृदय तो पिघल गया। बोले कितने सत्यवादी अपना बेटे को उसने काल को हाथ में दे दिया बोले बेटे को तू ले जा ये मेरे क्या करेगा अष्टम गर्भ का संतान मेरे को देना। नारद जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो रही है। बोले क्यों बोले भगवान कब आएंगे जब पाप की घड़ा भर जाए लेकिन इसके हृदय में तो दया की भावना आ रही है ठाकुर आने में देर कर जाएंगे। इतने में नारद जी बिना बजाते बजाते आ गए बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जब आए बोले भैया अपने गुरु जी आए गुरु जी का आसन दिया चैनल धोए बोले अहो बात जो श्री गुरु जी आए बोले गुरु जी असम में कैसे आ गए हो बोले देख बेटा मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ मैंने देखा ब्रह्मा जी एक मीटिंग कर रहे थे सारे देवता को लेकर के तेरे को मारेंगे कैसे देख सावधान ये जितने जदुवंशी कोई नहीं सब देवता है जितने गोपियां है ना सब देवी ये सब मीटिंग करके तेरे को मारने के लिए आए हैं मारने के लिए आए। तब उन्होंने एक फूल लाए थे कमल फूल जिसमें आठ पंखुड़ियां थी बोले बताओ तो पहला नंबर कौन आठवां नंबर कौन बोले गुरु जी कैसे बताए एक दो तीन चार पाँच सात आठ बोले उल्टा गिनो बोले एक दो तीन चार पाँच सात आठ बोले गुरु जी बताना क्या चाह रहे हैं बोले समझ में नहीं आ रही है ये देवताओं का वाणी समझना बड़ा कठिन तू तो इधर से एक एक दो कर रहे हो अगर वो उल्टा से अगर एक दो करे तो जिसको एक करते हो ना वो आठ आठ एक हो जाएंगे। बोले गुरुदेव क्या बताना चाह रहे हो बोले ये जब एक एक करके बड़े होएंगे कि नहीं बोले हाँ बोले सब मिल करके तेरे को मारेंगे। बोले फिर गुरु जी सबको मार दो बोले भैया मैं क्यों बोलूं तू जानता तेरा बात जानता है वहां से तो भड़का दिया और नारद जी उठाया अपने और भाग गए वहां से उनने छह छह बच्चों को मार डाले। हाँ देखो कहते भैया छह बच्चे कौन है बोले अगर कोई भगवान को हृदय में बैठना चाहते हो पहले ये छह बच्चों को मारो बोले कौन बोले काम क्रोध लोभ मोह मद और मांसर्ग ये छह पहले इसको मारो। बोले कंस कौन बोले भय ये भय मतलब भक्ति क्यों भय से कर रहे हैं इसलिए पहले छह बच्चों को मारो। बोले सप्तम बच में कहते श्री बलदेव प्रभु बोले बलदेव प्रभु कौन है बोले ये स्वयं आनंद देव ये स्वयं पृथ्वी स्वरूप है जो भगवान को धारण करने वाले अपना हृदय में धारण करने वाले ये संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देवता से बलदेव प्रभु दस से पंच रस से भक्ति करते हैं और अष्टम गर्भ में कौन बोले स्वयं कृष्ण। बोले अष्टम गर्भ में क्यों आए हाँ ध्यान दे कृष्ण कल मैं पूछूंगा देखूंगा कौन बोल पाता है जो बोलेगा ना उसको इनाम दूंगा। कृष्ण अष्टम गर्भ में क्यों आए कहते भक्ति का आठ स्टेज है भक्ति के आठ सोपान है। भक्ति का सबसे पहला जो सीढ़ी श्रद्धा जैसे श्रद्धा है तभी आप लोग यहाँ बैठे। दूसरा सीढ़ी साधु संग बैठ करके फिर कथा सुन रहे हो। बोले तीसरा स्टेज जब हमें पता चलता भाई हम कौन है हम आए कहाँ से जिसको अपना कहते हैं सब गए कहाँ एक दिन संसार छोड़ना पड़ेगा फिर ये दुनिया है क्या चीज जो एक दिन सबको छोड़कर जाना पड़ता है फिर उसको पता चलता जीव कौन है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुपरासी हम सब भगवान के बच्चे ठाकुर जी के संतान फिर करनी क्या चाहिए फिर ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए। चौथा स्टेज भगवान की भक्ति तीसरा चौथा स्टेज जब भक्ति करेंगे हृदय से सारे अनर्थ काम क्रोध दूर होगा। पंचमा स्टेज बोले रुचि रुचि मतलब
हाँ ध्यान देकर सुना, जैसे अभी बोला भैया कि माला जप कर रुचि नहीं, लेकिन कोई सीरियल देखो तीन तीन घंटा देख देख लेंगे, लेकिन दस मिनट भजन करो भजन में मन नहीं लगता, बोले क्यों, हृदय में काम क्रोध लोभ अनर्थ अपराध है, इसलिए नाम में रुचि नहीं होता है, लेकिन जब ये चीज चली जाती है हृदय में इतनी रुचि इतनी अच्छी लगेगी, फिर कोशिश करें कि भैया कब घर का काम हो थोड़ा माला जप करें, थोड़ा रामायण पढ़े गीता पढ़े, उसको रुचि कहते हैं, उसको बाद में जो छठा स्टेज बोला निष्ठा, निष्ठा मतलब है अरे भक्ति में इतने पक्की हो जाते हैं, भले ही सारा दुनिया जो कुछ बोले लेकिन प्रभु का भजन नहीं छोड़ते। अब लोग मीरा का नाम सुने हो, कौन कौन मीरा का नाम जानते हो, सब जानते हो, देखना जब उसने भजन की ना सारा दुनिया उसकी विरोध हो गई, जेठ ननद सास ससुर सब विरोध हो गई, लेकिन मीरा ने अपना भजन उसने नहीं छोड़ा, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी, तो पक्की निष्ठा हो जाते हैं, उसको बाद में भाव, बोले भाव का लक्षण क्या है, जब ये स्थिति आएगी कभी कभी भगवान की बंसुरी की आवाज सुनने को मिलेगी, प्यारी प्यारी कलिया की मीठी मीठी आवाज कान को खड़े कर देगी, कभी कभी ठाकुर जी की चरण की नुपुर की छम 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 आवाज सुनने को मिलेगी, कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी आए और अपना अधरा मृत हो मिला करके चले गए, अपना वोट बचाना शुरू कर देगा, फिर कभी कभी भगवान ऐसे प्रकट होंगे इतने उनकी शरीर का तेज है आग चकाचौंध हो जाएगी उनकी है, कभी कभी ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी हमें स्पर्श कर रहे हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाएगी, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाएगी, कभी भाव का लगते हैं कभी कभी, और इसी जगत में रहते हुए भी उसको लगे हम तो कोई दूसरे जगत में रह रहे हैं, दूसरे जगत में रह रहे हैं, और अष्टम स्टेज प्रेम, प्रेम मतलब होता है ठाकुर जी स्वयं सामने प्रकट हो जाएगी, ठाकुर जी की साक्षात दर्शन बाकी बिहारी हो जाएगी, ब्रसी वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए कृष्ण अष्टम स्टेज में ठाकुर जी आए, अभी ठाकुर जी आने वाले इतने में कल सन देखा देवों के शरीर से ज्योति निकल रहे और सारे देवता लोग आकाश मार्ग में आए और बड़ी सुंदर ठाकुर जी की स्वागत कर रहे हैं, हम भी थोड़ा ठाकुर का स्वागत करते हैं ठीक है, क्योंकि जब साधारण कोई प्राइम मिनिस्टर आए ना कितने स्वागत होती है, और भगवान विश्व ब्रह्मांड के मालिक ठाकुर जी आ रहे हैं, सारे देवता ठाकुर को स्वागत कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ी सी मीठी मीठी ताली बजा सकती है और पीछे पीछे बोला बोले सुस्वागतम कृष्ण ठाकुर जी आ रहे ना
जितने ऋतु एकत्र हो गए, सारे ऋतु वहां पर चिर बसंत प्रकट हो गया। और यमुना नदी यमुना तट से कलकलनाद करते करते वहीं से कलकलनाद कर्तव्य बह रही है और कृष्ण की जयकार दे रही है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान आ रहे हैं, कोई आनंद नहीं आपको? आनंद है कि नहीं? तो फिर जय को नहीं देते हो? बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यमुना नदी प्रसन्न, बोले क्यों? बोले भगवान मेरे में स्नान करेंगे, यमुना काली थी ना, काली काई क्यों? बोले कृष्ण चिंतन करते करते और मेरे साथ में शादी होगी, प्रभु जल में जल विहार करेंगे, कमल फूल खिलता है दिन में, लेकिन कमल फूल खिल गए रात। बोले क्यों? बोले संत जब उदाहरण देंगे, बोले नमो पंकज नावाय, नमो पंकज मालिनी, कितना नेत्र कमल, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, कमल कमल को साथ में उदाहरण देंगे। इसलिए रात में ये कमल फूल खिल गया। कहते जो दूसरे दूसरे नदियां अभी खुश हो गए, बल्कि कहते जो यमुना सबसे बड़ी है, जो दूसरे दूसरे नदी में छोटी बहन, जब बड़ी बहनी को साथ में शादी होगी, छोटी बहनी क्या लगेगी? बोलो क्या लगेगी? साली। आप देखना कभी कभी दामाद अपना पत्नी से साली को ज्यादा प्रेम करते हैं। कहते अगर हम कृष्ण की साली बनेंगे ना, कृष्ण हमें भी प्रेम करेंगे। इसलिए दूसरे दूसरे नदी प्रकट हो गई, प्रसन्न हो गई। इतने में बोले पृथ्वी वृंदावन धाम खुश हो रहे थे। बोले क्यों खुश हो रहे थे? बोले कृष्ण वराह अवतार में उन्होंने पृथ्वी को उत्पन्न किया था, रामावतार में मैया सीता पृथ्वी से जन्म हुई, इसलिए भगवान अपना सासू बनाए। बोले द्वापर युग में वही पृथ्वी सत्यभामा बन करके आई, मैं भगवान की पटरानी बन गई, इसलिए पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हो रही थी। वृंदावन में सुंदर सुंदर फल फूल से सज गई, सारा दुनिया जय जयकार कर रहे थे। कृष्ण जब जन्म हुए, अष्टमी का रात थी, अष्टमी रात में चंद्रमा आधी होती है, लेकिन आज चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा रूप में प्रकट हो गए। बोले क्यों? आज कृष्ण मेरे वंश में आ रहे हैं, मेरे वंश में आ रहे हैं, इसलिए चंद्रमा ऊपर में ऊपर और मेघ नीचे। कृष्ण जब आए आकाश में मेघ छाया हुआ था, अभी चंद्रमा मेघ में लड़ाई शुरू हो गई। चंद्रमा बोले एक मेघ मेरे सामने हट जा। मेघ कहता है क्यों हटू? बोले तेरे को पता नहीं मेरे वंश में कृष्ण आ रहे हैं। मेघ ने कहा तेरे को पता नहीं मेरे रंग को लेकर के आ रहे, मेरे कलर लेकर के आ रहे हैं। बोले तेरे कलर लेंगे लेकिन वंश में तो मेरे है ना, इसलिए तेरे से ज्यादा सौभाग्यवान मैं हूँ। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। देवता लोग बोले भैया अभी लड़ाई का समय नहीं, आनंद लेने का समय, तू भी थोड़ी सी रास्ता दे दे, तू भी थोड़ा हट जाए, चंद्रमा भी आनंद ले और तू भी आनंद ले, सबके सब आनंद दो। इसलिए अभी सारा दुनिया जय जयकार कर रहे हैं और भगवान कृष्ण चतुर्भुज लेकर के कंस के कारागार में प्रकट होंगे। जब प्रकट होंगे देवकी वसुदेव बोले प्रभु आपको तो हमने बालक रूप में प्रार्थना की थी, अब ये तो 16 साल के घुंघराले केश चमकीले चमकीले वस्त्र पहन करके आए हो, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। बोले पूर्व जन्म में तुमने कृष्ण सुतता थे, मेरी कठोर तपस्या की, मैंने कहा क्या मांगते हो मांगो, तुम दोनों बोले थे मेरे बच्चे बन करके आओ, इसलिए अभी मैं बच्चे बन जाऊंगा, मेरे को गोकुल में रख करके आ जाना, वहां से एक बेटी को ले आना। बोले प्रभु ये हथकड़ी बड़ी पड़ी हुई, जाऊं कैसे? ये दरवाजा पड़ा हुआ बंद है, पहरादार जाए कैसे? बोले केवल मेरे अपना सर पर रख लो, फिर देखना सब अपने आप खुल जाए। देखो ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, हाँ ध्यान दे कृष्ण, इधर देखो ठाकुर जी एक अच्छी शिक्षा दी, जब उन्होंने ठाकुर जी का सर पर रखे ना, दरवाजा अपने आप खुल गया, हथकड़ी बड़ी अपने आप खुल गया, पहरादार अपने आप सो गए। कृष्ण शिक्षा देते हैं, अगर घर में कोई भी काम करते हो पहले ठाकुर जी को सामने रखो, लेकिन हम क्या करते हैं, सारा दुनियादारी को बुलाएंगे, पिलाएंगे खिलाएंगे उल्टा पुलटा चीज, लेकिन ठाकुर जैसे जैसे बैठो, ठाकुर के लिए कुछ नहीं भोग नहीं, बच्चे का बर्थडे, अपना कोई शादी कुछ होगा, नए नए कपड़ा साड़ी खरीद करके लाएंगे, दिन में दो दो बार पहनेंगे,
बदलाएगी। ठाकुर जी 15 दिन से कपड़ा से बैठे हुए, ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं, और दुनियादारी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, सब दुनिया के लिए कर रहे हैं। पहले अपना लिए लाने से पहले ठाकुर जी के लिए लाओ, भले ही ठाकुर का 100 सेंटीमीटर नहीं हो। अपना अलमीरा में देखो, घर में कितना साड़ी है, तभी कोई बड़ी आदमी आता है, हम साड़ी लेते कि नहीं लेते हो ना, पति से झगड़ा करके लेते हैं। पति अगर बोलेगा नहीं साड़ी है अभी मैं ला नहीं पाऊंगा, बीजी मेरे को पैसा दे दो मैं खुद ले आऊँ, इसलिए जो अपना लिए ला सकते हो ठाकुर के लिए नहीं ला सकते। इसलिए भगवान द्रौपदी को वस्त्र क्यों दिए, भगवान परीक्षा कर रहे थे। जब उनकी अम्बुल कट गई, द्रौपदी ने साड़ी फाड़ करके बैंडेज कर दी, भगवान सोच रहे हैं कब समय आए, हम इसका ऋणी कब उतारे, इसकी ऋणी कब उतारू, मेरे को साड़ी फाड़ करके बैंडेज कर दी। ठाकुर जी भरी सभा में उसको लाज बचाया। लेकिन ये दुनिया के लिए करो ना, दुनिया कुछ भी देने वाले नहीं, दुनिया हमें कुछ भी देने वाले नहीं। देखना दुनिया की सबकी सेवा कर रहे हैं, पति बेटा बेटी सबको, अभी तो कोई राजी तुम्हारे ऊपर नहीं, कोई खुश हो पाए किसी को भी अभी दुनिया में हम खुश कर पाए, दुनिया में किसी को खुश नहीं कर सकते हो। लेकिन भगवान को थोड़ी करो ना, वो हमारे लिए इतना करेंगे। बस वृंदावन बिहारी लाल की ले आओ भैया, बच्चे को ले आओ, इसको सजाए ले आओ। आप देखो अभी प्रभु जी बड़ी सुंदर बधाई गाएंगे, हम लोग भगवान की बधाई में नाचना, क्योंकि भगवान ने जन्म लिए हैं। अगर इसमें नाचोगे ना फिर दुनिया में 84 लाख जन्म में नाचना बंद हो जाएगा, ठीक है। आज तो कृष्ण जन्म हुए, आप देखो अभी 4 दिन तक हम लोग जन्म, भगवान के 4 दिन तक उत्सव होगा। आज कृष्ण जन्म, कल राधा रानी और परसों गिरिराज की पूजा। देखो गिरिराज की सेवा की सबसे ज्यादा महत्व है। गिरिराज जी कहते हैं एक अन्न का दाना कोई गिरिराज की सेवा में लगाए, किसी जीवन में अन्न वस्त्र का अभाव नहीं पड़ेगा, घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी। इसलिए और लास्ट में रुक्मिणी कृष्ण की शादी, सुदामा और भगवान की रास लीला। अभी 4 दिन उत्सव होगा, 4 दिन उत्सव होगा, सबके सब चका चका साड़ी पहन करके आना। कल कौन सा रंग की साड़ी पहन करके आओगे, गुलाबी रंग की, ठीक है ना, सब गुलाबी रंग की, नहीं होगा तो उधार करके पहन के आना। बस ही कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो लाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री राम। इधर को एक चेयर दे दो भैया, इधर को एक चेयर दे दो, सखी चंद पंच के द्वार आसार लगाती गज गज कन्हैया, सखी चंद पंच के द्वार में, इसलिए
सभी खड़े हो जाए और ये एक गुस्सा कम से कम लगा I'm gonna make you mine.